Yeah.
कितना कांड, इस कितना कांड छोटा कांड है प्रमाण में, और इस कांड का आरंभ करते हुए हमारे स्वामी जी कहते कुंड काशीपुरी की वंदना की है, और उसके बाद अविषधर गरल कंठ भूत बावन भगवान शिव जी को याद की, मुक्ति जन्म मही जाने ज्ञान खानी अधानी कर जहां बस शंभु भवानी सौ काशी सेयन कसन जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जी मान की तीन भज सिमन मंद को कृपाल शंकर सरीस। भगवान शिव की स्तुति की, काशी क्षेत्र को याद किया, और किष्किंधा का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी लिखते के साथ सुग्रीव निवास करता है। और इस शिखर पर बैठे बैठे सुग्रीव ने देखा तो दूर से कोई दो व्यक्ति आ रही हैं जो बल और रूप की सीमा। सुग्रीव दूर से राम लखन को देखकर इतना भय कंपित होता है, सभी तो होकर
हनुमान जी से कहने लगा कि बाबा आप जाइए, और ये दो कौन आ रहे हैं, यहाँ दूर बैठे बैठे मुझे उसका भय लग रहा है। आप ब्राह्मण का वेश बनाकर जाएंगे और परीक्षा करके मुझे बताएं कि ये कौन है। मुझे मेरी आंख पर भरोसा नहीं, आपकी आंख पर पूरा भरोसा है। आप जो कहेंगे सो मैं कबूल कर लूंगा। और बाली का भेजा कोई मनमेला बहुरूपिया हो तो वहां से ही मुझे इशारा कर देना, यहाँ कहने को मत आना, क्योंकि यहाँ आओगे तो वो भी पीछे पीछे आ जाएंगे। वहां से ही कह देना, मैं यहाँ से भाग चलूं। पूरे जीवन में भागने वाला ये आदमी हनुमान जी से विनती कर रहा है। तो सुग्रीव की बात सुनकर हनुमान जी अब प्रवेश करने वाले हैं। सुग्रीव को संतों ने ऐसा जीव बताया है और उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं कि विषयी है, पलायनवादी है, झूठ बोलता है, भोगी है, उसमें है जीवों के सभी दुर्गुण। तो सब दुर्गुण होते हुए भी ये जीव परमात्मा का सख्य प्राप्त कर लेता है। उसी का एक ही कारण, उसमें एक सद्गुण सबसे बड़ा है और वो है हनुमंत आश्रय। सबसे श्रेष्ठ पक्ष उसका ये है, उसको हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। तो हनुमान जी पर जिसको भरोसा होगा वो कैसा भी होगा प्रभु तक पहुंच सकता है। हमारा जीवन भी सुग्रीव जैसा है लेकिन हनुमंत भरोसा करे। हमारी आंख यदि पहुंच न सके तो कम से कम किसी संत की आंख पर भरोसा तो करे। हमारी समझ यदि शास्त्र में न पहुंचे तो कम से कम कोई प्रभु के कृपा पात्र पर तो भरोसा करे। सुग्रीव का ये अच्छा वो है, उसको हनुमान जी पर भरोसा है और हनुमान जी के भरोसे पर वो प्रभु पर पास पहुंचता है। और हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है कि तुम पर जो आश्रय करेगा, तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तो सुग्रीव के जीवन की ये अच्छी बात है कि वो हनुमान जी पर भरोसा कर रहा है। आप जाइए और मुझे बताइए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके सुग्रीव के कार्य के लिए आते हैं और यहाँ से रामचरितमानस में हनुमंत चरित्र का आरंभ होता है। हनुमान जी का प्रवेश कथा में हो रहा है, इसलिए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ हनुमान जी महाराज का जय जयकार करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की, लंगड़े जी महाराज की। हनुमंत बाबा का प्रवेश हो रहा है, इसलिए हनुमान जी को याद करके हम आगे बढ़े। कुछ पंक्तियां भाव से सुने और गाए। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंग
बाल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन बंधु राम लखन वैदेही बंधु राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन 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 मारुत नंदन
मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन अतुलित बल धामं हेम शैलाभ देहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके हनुमंत चरित्र का संक्षेप में विचार करें। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी आते हैं, राम और लखन दोनों भाई आ रहे हैं और हनुमंत बाबा आए। दोनों के वेश वर्ण और रूप को देखकर हनुमान जी ने प्रश्न किया है, को तुम श्यामल गौर शरीरा को तुम श्यामल गौर शरीरा को तुम छत्रि रूप फिरहु बन बीरा को तुम श्यामल गौर शरीरा को तुम शरीरा कठिन भूमि को मल पद गामी कठिन कठिन भूमि को मल पद गामी कठिन कवन है तू बन बिचरहु स्वामी कवन है तू बन कवन है तू बन बिचरहु स्वामी कवन है तू बन मृदुल मनोहर सुंदर गाता मृदुल मनोहर सहत दुसहदन आत माता सहत दुसहदन को तुम श्यामल गौर शरीरा को तुम श्यामल गौर शरीरा
छत्रि रूप फिरहूँ बन वीरा छत्रि रूप ला को तुम श्यामल गौर शरीरा को तुम श्यामल गौर। एक श्याम और एक गौर, आप कौन हैं? आपका वेश मुनि का है और रूप क्षत्रिय का है। इस कठोर धरती पर कोमल पदगामी आप क्यों चलते हो? आपके शरीर को देखता हूं तो इस ताप के लायक आप नहीं हैं। इस धूप, इस वर्षा और इस जंगल में जो सर्दी रहती है, ठंड, आपका शरीर उसके मुताबिक नहीं। आप कितने सुंदर हैं, आप तीनों देव में से तो कोई दो नहीं, अथवा तो आप नरनारायण नहीं, अथवा तो वेद जिसको नेति नेति कहता है उसी ने साकार रूप तो नहीं ले लिया। जग का कारण, संसार के भार को उतारने वाले, आपने मनुष्य अवतार तो नहीं लिया, आप कौन है महाराज? बहुत प्रश्न हनुमंत बाबा ने पूछ डाले, लेकिन भगवान कुछ जवाब ही नहीं देते। बहुत बार पूछा फिर भी प्रभु के मुंह से जवाब नहीं निकला, तो लक्ष्मण जी को पहली बार शंका हुई कि आज भगवान जवाब क्यों नहीं देते। प्रभु ऐसा कभी करते नहीं। हम किसी को बहुत प्रश्न पूछें और सामने वाली व्यक्ति हमको बिल्कुल प्रत्युत्तर न दे, तो उसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमने प्रश्न जो पूछा है वो सामने वाली व्यक्ति समझ नहीं पाई, हमारा प्रश्न ही उसकी समझ में नहीं आया, तो वो कैसे जवाब देगा। अथवा तो ये हो सकता है कि शायद वो समझ गई हमारे प्रश्न को, लेकिन हम जवाब के लायक नहीं हैं इसलिए वो बोलते नहीं। दो ही कारण हो सकते हैं। तो भगवान को चुप देखकर हनुमान जी बहुत पूछ रहे हैं, और लखन जी ने भगवान के सामने देखा कि ठाकुर आप चुप क्यों हैं, तो भगवान ने इशारे में लक्ष्मण जी को कह दिया कि तुम भी चुप रहो। बोले क्यों? कि मैं जवाब दूंगा तो ये ब्रह्मचारी बोलना बंद कर देगा, और मैंने मेरे जीवन में ऐसा विद्वान ब्रह्मचारी पहली बार सुना है, कितनी प्यारी भाषा बोल रहा है। उसकी भाषा सुनके सुनते इतना आनंद हो रहा है कि मैं उसको बोलूंगा, जवाब दूंगा तो वो बोलता बंद हो जाएगा। और हनुमान जी की भाषा के बारे में तो क्या कहे, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। हनुमान जी जैसे पंडित कोई हुए नहीं, कोई हुए नहीं, बहुत विद्वान, बुद्धिमताम वरिष्ठ, सूर्य नारायण से उसने विद्या पाई है। तो बहुत देर तक ठाकुर ने हनुमान जी की वाणी सुनी और उसके बाद वो जवाब दे रहे हैं। जब हनुमान जी ने सब पूछ लिया, आगे आप बताइए कौन है, अब हनुमान जी को प्रत्युत्तर मिल रहा है प्रभु की ओर से। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, नारी सुकुमारी सुहाई, कौशलेश दशरथ के जाए,
राम पितु वचन मानी बनाए, राम पितु वचन हम पितु वचन मानी बनाए, हम पितु वचन। कौशलेश महाराज दशरथ जी के हम पुत्र हैं, पिता की आज्ञा मानकर हम वन में आए हैं। मेरा नाम राम और ये मेरा भाई लखन है। हमारे साथ मेरे पत्नी सीता जी थी, जिसको कोई असुर उठा गया है अपहरण करके। भूदेव, हम उसकी तलाशी में निकले हैं। हमने हमारा परिचय तो कह दिया, लेकिन आप कौन हैं जरा बताइए। इतने भाव से हमको पूछ रहे हैं आप, तो ब्रह्मचारी जी आप कौन हैं जरा ये भी तो बताइए। भगवान ने हनुमान जी को सामने प्रश्न पूछा। हनुमान जी नहीं पहचान पाए, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, पहचान गए थे। फिर भी हनुमान जी को भगवान ने पूछा कि तुम पर्दा रखते हो तो मैं भी रखूं। भगवान ने पूछा है तुम कौन हो, और जब ठाकुर ने पूछा इतने संवाद में, इतने प्रश्नोत्तर में, हनुमान जी अपने इष्ट को पहचान गए, जान गए कि ओ आ तो ये ब्रह्म है जिसकी तलाश में मैं था। हनुमान जी अपने परमात्मा को जान गए और तुरंत ब्राह्मण का वेश छोड़ करके अपने निज रूप में हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। अब हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अपने मूल रूप में हनुमान जी प्रकट होते हैं और तुरंत भगवान के चरणों में वो गिर गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु पहचानी गगनमुखरि चरना सो सुख उमा जाइ न गिबरना, सो सुख उमा जाइ न गिबरना। हनुमान जी परमात्मा को पहचान लेते हैं और तुरंत भगवान के चरणों में गिर गए। अभी अभी भगवान अपने आजान भुजाओं से उसको उठा लेकर हृदय से लगा रहे, नेत्रों के जल से उसको सींच डाला। हनुमान जी ने भगवान को कहा कि महाराज, मैं मंद हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, और आप मुझे भूल गए। महाराज, मैं तो आपको भूल जाऊं क्योंकि मंद हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हृदय हूँ, अज्ञानी हूँ, आप मुझे भूल गए प्रभु। हनुमान जी को जरा अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी भगवान के बहुत प्रिय पात्र हैं, और जो बहुत प्रिय होता है उसको बुरा जल्दी लग जाता है, तो हनुमान जी को ठीक नहीं लगा, इसलिए वो पूछने लगे, मैं तो भूला लेकिन आप मुझे भूल गए। तो भगवान हनुमान जी को आनंद देने के लिए, और सही बात है, हनुमान जी को तुरंत एक प्रमाण पत्र दे देते हैं कि हनुमान बुरा मत लगाना, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। हनुमान जी को भगवान ने कहा कि बुरा मत लगाना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगुना प्रिय है, मैं तो कसौटी कर रहा। लक्ष्मण से दुगुना प्रिय हनुमान जी को बता दिया। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, सुनु कापी जी, सुनु कापी मानसी जनी ऊना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, सुनो कपि जिय मानसी जनी ऊना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बुरा मत लगाना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगुना प्रिय है। क्या लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगेगा? लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं होगा कि 13 साल से मैं रात को जाग रहा हूं और ये अभी अभी नया नया आया वो मुझसे दुगुना हो गया। लक्ष्मण जी ने ईर्ष्या नहीं की, लेकिन आत्मखोज जरूर की कि मेरी सेवा में अभी कौन सी कमी है कि इतनी सालों से मैं सेवा में हूं फिर भी ये नया नया आया मुझसे दुगुना हो गया। सज्जन आदमी दूसरे की तरक्की को देखकर, दूसरे का सम्मान को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, अपनी साधना की कमी कहाँ है उसकी खोजबीन करता है।
कि मैं कहाँ पीछे रह गया। और हनुमान जी बिल्कुल सही है, दुगु ने उसमें क्या वो इतने सालों से साथ में रहे लखन जी, लेकिन जानकी जी के पूर्ण विश्वास को पाने में एक बार असफल हो गए। जानकी जी ने उसको मर्म वाक्य कह दिया और हनुमान जी पहली बार सीता जी को मिलेंगे अशोक वाटिका में, और जानकी जी को पूर्ण भरोसा हो जाएगा कि ये रघुपति का दास है। तो उसमें कुछ विशिष्टता तो है ही, परम संत है अपनी अपनी जगह पर। तो भगवान ने तुम मुझे दुगुना प्रिय है ये प्रमाण पत्र दे दिया, और भगवान जी इसको कहे कि तुम मुझे प्रिय हो उसके व्यक्तित्व के लिए क्या कहे। हनुमान जी के मन में बहुत आनंद हुआ। अब हनुमान जी प्रस्ताव रखते हैं कि महाराज ये पर्वत पर सुग्रीव रहता है, वो आपका दास होगा, आप उससे मैत्री करें। वो तो दास हो सकता है महाराज, उसमें मैत्री की क्षमता नहीं, लेकिन आप उससे मैत्री कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो आपका मित्र नहीं बन सकेगा क्योंकि उसमें ऐसी क्षमता नहीं है, वो दास शायद हो सके, लेकिन प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उससे मैत्री करें। क्योंकि वो जरा राजा के घमंड में है, वो सोचता है कि मैं किस किंधा का मालिक हूँ। और हनुमान जी भी उसका पक्ष लेकर कहते हैं कपिपति, वो कपिपति हैं, उसका जरा पोष दिया जाए महाराज, तो मैत्री ठीक रहेगी आपकी और उसकी, क्योंकि आप भी राजा हैं वो भी राजा हैं, भले ही बेचारा घूम रहा है तो आप भी घूम ही रहे हैं, वो भी भटक रहा है आप भी भटक रहे हैं, दोनों ही समान रूप में, इसलिए सख्य जमेगा महाराज। वैसे तो क्षमता दास की है कम से कम थोड़ी, लेकिन प्रभु आप उदारता कर दें और उससे मैत्री बना लें। ऐसा प्रस्ताव हनुमान जी ने सुग्रीव के लिए रख दिया, ऐसा रामायण में स्पष्ट लिखा। तेहि सन नाथ मयत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी जय, तेहि सन नाथ मयत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी, तेहि सन नाथ मयत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी जय, तेहि सन नाथ मयत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी। उससे आप मैत्री करें और उसको दीन जानकर उसको अभय कर दें महाराज। हनुमान जी का प्रस्ताव कितना अद्भुत है। हम बार बार इतने दिनों में सोचते रहे हैं कि संत किसी को मिल जाता है तो कैसे भी जीव को किसी भी प्रकार से कहां से भी और कोई भी समय उसको परमात्मा तक पहुंचा देता है। संत मिल जाना चाहिए, संत मिला भगवंत मिला। बस कभी कभी तो भगवंत संत के रूप में ही मिल जाते हैं, हम उसको पूरे पहचान नहीं सकते। तो संत कोई मिल जाए तो काम बन सकता है। भगवान ने कहा भाई हम मैत्री क्यों करें, मैत्री करनी है तो उसको यहां ले आइए। हनुमान जी ने कहा महाराज जो बहुत दौड़ा हो, बहुत चला हो और चल चल कर थक गया हो, बेचारा कैसे और आगे चलेगा, इतना भागा है जीवन में, जहाँ देखो भागता ही रहा भागता ही रहा, अब उसके पैर चलने में समर्थ नहीं, अब तो आप स्वयं आ जाइए। कितना पक्ष ले रहे हैं उसका। भगवान ने कहा चलो भाई हम मैत्री करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा तो नीचे ले आओ। हनुमान जी ने कहा महाराज वो आ सकता तो मैं जरूर लाता, मैं अकेला नहीं आता, उसको लेकर ही आता, लेकिन उसमें क्षमता नहीं आने की। आपके पास आने के लिए ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, कर्म चाहिए, उसमें तो कुछ नहीं है, न ज्ञान है न भक्ति है न कर्म है, भाग भाग फिरता है, न भजन है, और ज्ञान तो बिल्कुल नहीं। ज्ञान की तो व्याख्या है सब में ब्रह्म दर्शन करना, और ये आदमी तो ब्रह्म में भी ब्रह्म दर्शन नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है पठवा बाली हो ही मनमैला, आपको मनमैला मान रहे हैं, वो बाली का भेजा कोई बहु रुपया हो ऐसा वो समझ रहा है, इसलिए तो मुझे भेजा है उसने। तो न ज्ञान है न कर्म है न भक्ति है, और जिसके पास कुछ न हो उसके पास तो आपको ही आना चाहिए। मैं क्या उल्टी उल्टी यात्रा करवा रहे हैं संत, कैसे भी हो तो भी ठीक है, न हो तो भी ठीक है, संत का आश्रय हो जाए तो कितना काम बन जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मैत्री की बात ठीक है, लेकिन हमको वहाँ सामने से आना अच्छा नहीं लगता। बोले महाराज इसमें मेरा दोष नहीं, दोष आपका,
बोले मेरा दोष कि सामने से जाने का नियम आपने पैदा किया है। आप सभी जगह सामने से गए, अहल्या ने कोई खत नहीं लिखा था आपको कि हमारे घर आना, अपने आप चले गए। केवट ने निमंत्रण नहीं दिया था, शबरी ने निमंत्रण नहीं दिया था, जटायु ने निमंत्रण नहीं दिया था, बिना बुलाए सबके पास गए, तो ये बेचारा का क्या गुनाह है। यहाँ भी बिना बुलाए आ जाइए महाराज, अपना जो स्वभाव है वो निभा लीजिए ना। फिर भी भगवान ने कहा कि भाई नहीं नहीं, हमको कोई परिचय नहीं और हम क्यों आए। तब हनुमान जी ने भगवान की कमजोरी वाली बात कह दी, दीन जानते ही अभय करीजे, वो दीन है। जब दीन कहा और ठाकुर ढीले हो गए, बोले चलो चलो आते हैं। दीन शब्द ही परमात्मा को ढीला बना देता था। तो भगवान ने कहा भाई हम आए मैत्री करें, लेकिन हम थके हुए हैं और ऊपर कहाँ ले जाते हो। बोले महाराज वो तो नीचे नहीं आता, क्योंकि आपको पाने के लिए ऊंचाई पर जाना होता है, बड़ा मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से ऊपर गया है, पर उसको अब कहाँ नीचे लाते हो महाराज, आप खुद ऊपर आ जाइए। भगवान ने कहा लेकिन हम थके हैं। तो बोले कि अब वाहन हाजिर है ना, मेरी पीठ पर आ जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज पीठ पर कैसे बैठे। हनुमान जी ने कहा मैं तो पीठ पर ही बिठा सकता, गोद में तो दशरथ जी बिठा सकते हैं, कौशल्या जी बिठा सकती हैं, हमारी तो ऐसी क्षमता नहीं कि आपको हम गोद में बिठा सकें, लेकिन हम आपको पीठ पर जरूर बिठा सकें। और महाराज यदि आप हमारी गोद में आएंगे तो भी हम आपको गोद में नहीं लेंगे, क्यों कि आपको गोद में रखें तो आपका ख्याल हमको करना पड़ता, क्योंकि कहीं आप गोद से गिर न जाए, लेकिन आप हमारी पीठ पर आ जाओगे ना तो आपको मेरा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गिरा तो आप भी गिरे, मेरा पतन आपका पतन हो जाएगा। कितना अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं संत, आप हृदय में तो हैं, पीठ के ऊपर भी आ जाइए। और लोग कहते हैं दुनिया में व्यवहार में नहीं बोलते कि फला आदमी का पीठ बल है, हमको हमारी पीठ के पीछे फला है, जिसके पीठ के ऊपर साक्षात ब्रह्म हो उसके लिए क्या कहना है? वो वज्र देह हो जाए उसमें क्या ना, क्या आश्चर्य। तो दोनों को पीठ पर ले लेते हैं। और हनुमान जी ने एक बात और भी रखी कि महाराज मैं ऊपर से नीचे आ गया वो तो बहुत आसान हो गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाना बहुत आसान है प्रभु, लेकिन नीचे आने के बाद ऊपर जाना बिना तेरा पीठ बल नहीं हो सकता। हम ऊपर से नीचे की ओर तुरंत गिर सकते हैं, लेकिन गिरने के बाद ऊपर उठना तभी होता है जब परमात्मा की कृपा हो जाती है। आप मेरे पीठ के ऊपर आ जाइए, भगवान एक भी प्रस्ताव तोड़ते नहीं, उसके हर बात मान लेते हैं। पीठ पर दोनों आ गए, जय श्री राम का नाद किया और हनुमंत बाबा छलांग भर के ऊपर। मेरी प्रार्थना है माताएं आप कम आवाज करें, यहां कोई स्वयं सेविका बहनों हो तो वो भी कम बोले। मेरी दाई और एक दो भाई जाइए वहां, कोई हमको विक्षेप हो रहा है। महावीर मैर करो महाराज, महावीर मैर करो महाराज, महावीर मैर करो महावीर मैर करो महाराज, दुखड़ा काप जोरे मैर करो महाराज, दुखड़ा काप जोरे हनुमंत हनो यमारा दुख हनुमंत ये हनुमंत हनो यमारा दुख के हनुमंत हनो यमारा दुख दुख काप जोरे हनुमंत हनो यमारा दुख दुख आप जोरे हमें सोचिए तमारा बाल हमें सोचिए तमारा
हमेशा उछिए तमारा मार सोचिए तमारा बाल शरण मा राख जो रे हमें सोचिए तमारा बाल शरण राख जो रे हमें सोचिए तमारा बाल शरण राख जो रे महावीर मैर करो महाराज महावीर महावीर मैर करो महाराज महावीर मैर करो महाराज दुख ना काप जो रे तो हनुमान जी महाराज दोनों भाइयों को लेकर शिखर पर पहुंचते हैं। सुग्रीव घबरा गया कि मैंने तो कहा था कि ये कौन है, इशारा मुझे करना, और ये तो यहाँ ले आए। घबरा गया, लेकिन हनुमान जी पर भरोसा था इसलिए यकीन रहा। तो सोचने लगा क्या होगा, भगवान को नीचे उतारे, लखन जी नीचे उतरे और लखन जी ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि महाराज मेरे मन का समाधान हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आपने हनुमान को मुझसे दुगुना कहा था ना, तब मेरे मन में संदेह हो गया था कि मुझसे दुगुना, लेकिन पक्का हो गया, क्योंकि मैं तो शेष नारायण का अवतार हूँ और आप अकेले को मैं उठा सकता हूँ, लेकिन धन्य है इस अंजनी के बेटे को कि शेष नारायण और आदि नारायण दोनों को ऊपर उठा कर ले आया, इसलिए मुझसे दुगुना है वो सिद्ध हो गया। भगवान खड़े हैं, भगवान का परिचय सुग्रीव को करवाया, सुग्रीव का परिचय प्रभु को करवाया, सुग्रीव की ओर से लकड़ी ले आए और भगवान की ओर से अग्नि ले आए और दोनों को मिलाकर अग्नि चेता प्रकट कर दी। भगवान पूछ रहे हैं हनुमान को भी कमाल है तुम, इधर से अग्नि और उधर से लकड़ी, क्या मामला है? बोले महाराज आप जानते हैं फिर भी पूछते हैं। बोले क्या? तो इशारे में कह दिया इस सुग्रीव जीव है लकड़ी जैसा है महाराज, उसमें आप चेतना प्रकट कर दो, उसमें आप जागृति ला दो, क्योंकि ये जीव हैं, जड़ हैं, उसमें चेतना तो भरी पड़ी है, लेकिन उसको आप प्रकट कर दें। संत के माध्यम से जीव की मैत्री प्रभु से हुआ करती है। यहाँ सख्य बना दिया, सख्य लगा दिया, और जब मित्रता आई तो मित्र के सुख दुख में भाग दुख में जानकारी पानी चाहिए। तो भगवान अब सुग्रीव को पूछ रहे हैं कि मित्र आप यहाँ क्यों रहते हैं? तो सुग्रीव ने सब अपनी आत्मकथा कह दी कि बाली और मेरा ये ऐसे ही घटना घटी, बाली ने मेरा सब लूट लिया, मुझे निकाल दिया, और मैं जहाँ जाता हूँ महाराज बाली मेरे पीछे पड़ा है। एक ये पहाड़ है, यहाँ बाली नहीं आ सकता शाप की वजह से, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ, फिर भी सभी तो हूँ ही। सब आत्मकथा सुनाई, बाली के त्रास से मैं दुखी हूँ रात दिन। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर अर्थ निकाला है कि बाली कर्म है और सुग्रीव जीव है। जीव जहाँ जाता है कर्म उसका पीछा करता है। इस सुग्रीव रूपी जीव ऋषिमुख पर्वत पर चढ़ गया तो बाली वहाँ नहीं जा पहुँचा, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत का अर्थ है सत्संग। सत्संग में जब हम पहुंच जाते हैं तो कर्म हमारा पीछा नहीं कर सकता, बाकी कहीं भी जाए कर्म से छूटना बहुत कठिन। ये बहुत सुंदर बात, सत्संग में जब तक रहते हैं तो कर्म कुछ नहीं कर सकता और ये तो सिद्ध बात है ना। हम आठ दिन से कथा में बैठे हैं, गोस्वामी जी के इस परम शास्त्र के सत्संग में हम तुम सब बैठे हैं, तो यहाँ कोई कर्म की चिंता नहीं है, यहाँ बैठे हैं तो कोई बात सता नहीं रही हा? क्योंकि ये सत्संग के पहाड़ पर कर्म नहीं आ सकता, लेकिन वो सभी कर्म हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कल 9 बजे की, कि कब ये सत्संग पूरा हो और कम कब पकड़ ले।
इसलिए सत्संग जितना बढ़े, इस भाव जितना बना रहे, इतना कर्म से छुटकारा पाया जाएगा। तो महाराज यहाँ बाली आ नहीं सकता, फिर भी मैं सभीत हूँ। अपने मित्र की वेदना को सुनकर भगवान ने मैत्री सिद्ध करने की एक बात एकदम जाहिरात कर दी कि मैं मेरे दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, तेरे बाली को मैं मार दूंगा। क्योंकि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसको देखने में पाप लगता है। यहाँ मित्र गुणों का कुछ वर्णन भगवान ने कर दिया है। मित्र वो है जो विपत्ति में बहुत प्यार करें और संपत्ति में कभी सामने ना आए, दुर्गुण को छिपा दें, सद्गुण को प्रकट कर दें, देत लेत मन में कभी शंका न करें, अपने बल के अनुमान सदा हित किया करें, आगे से मृदु वचन कहें और पीछे से कुटिलाए रखें, ऐसे मित्र को परिहरने में ही भलाए हैं, ऐसा गोस्वामी जी बोले हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, मैत्री की बात कही, प्रतिज्ञा कर ली, मैं तेरे बाली को मार दूंगा, लेकिन भरोसा नहीं हुआ सुग्रीव को। सुग्रीव ने कहा, महाराज बाली बहुत शक्तिशाली, आप ये दुदुम्बी राक्षस के जो अस्थि हैं उसको उठा दें, ढहा दे तो मुझे पूरा भरोसा हो जाए। भगवान कहते हैं कि मैं तेरा सब कुछ कर दूंगा, फिर भी ये जीव है ना, तो प्रमाण मांग रहा है भगवान से। तो भगवान ने बिनु प्रयास वो ढहा दिए। बाली बधाऊ की प्रतीति हो गई सुग्रीव को कि ये बाली को मार सकेंगे, और बाद में उसको थोड़े समय के लिए ज्ञान प्रकट हो जाता है, जैसे कभी कभी सबको हो जाता है ज्ञान, ऐसे उसको प्रकट हो उपजा ज्ञान वचन, तब बोला नाथ कृपा मन भयउ अलोला। बहुत ज्ञान की बातें कर, कभी कभी जैसे बिजली चमकती है काले बादलों में, और कभी कभी जैसे मूर्ख और मूढ़ आदमियों के मुंह से भी कोई अच्छा वाक्य निकल जाता है, कोई अच्छा विचार छूट जाता है, वैसे वो कहने लगा, महाराज ये शत्रु मित्र भाई बहन ये सब तो तुम्हारी साधना में बाधक हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं, और मुझे तो अब लगता है महाराज ये सब सपना है, सपने में कोई गला काट दे, सपने में लड़ाई हो जाए और गला काट दे, तो जागने के बाद कोई गला कटा हुआ नहीं रहता, ये तो सब सपने का मामला है, और बाली तो मेरा परम हितेच्छु माना जाए, वो नहीं मिलता तो मुझे आप कहाँ से मिलते, ऐसी बातें कहने लगा कि बस ये भागेगा पुनः सन्यासी बनकर। लेकिन भगवान बहुत सावधान है, इसलिए काकभूषणी जी व्यंग करते हैं, नट मरकट युव सब ही नचावत। सुग्रीव की बात ठाकुर जब सुन रहे थे ना, तब को काकभूषणी जी गरुड़ को कहने लगे कि भगवान इस मरकट को ठीक नचा रहे हैं, पूरा वैसे बंदर है और आज तो पूरा बंदर की तरह उसको नचा रहे हैं भगवान। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश बेद असगावत। ये बात काकभूषणी जी ने रखी। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा ज्ञान इंसानों को एक वो हो जाता है कि ये करे ये करे, लेकिन भगवान उसकी नाड़ी को ठीक से समझते हैं कि ये बैराग का जीव नहीं, ये सन्यास का जीव नहीं, ये त्याग का जीव नहीं। उसको तो जैसे बालक को स्कूल में भेजना है तो सीधा कहें कि स्कूल जाओ, तो कहेंगे नहीं हम स्कूल नहीं जाए, उसको कहे स्कूल में हर रोज़ बहुत मिठाई मिलती है तो मिठाई की वजह से वो स्कूल जा सकता है, वैसे उसको संसार में रख कर स्कूल में भर्ती करना है। संसार की मिठाई देकर भोग देकर उसकी रुचि को संतोषते उसको कुछ ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे धीरे 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 ऊपर उठाना है। जैसे बाल मंदिर के छात्र को कभी उपन्यास नहीं दी जाती, बाल मंदिर में जो पढ़ रहा है उसको क्या उपन्यास दें कि पढ़ो, उसको तो मिठाई और खिलौने ही दिए जाते। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है तो खिलौने कम कर दिए जाते हैं, मिठाई कम कर दी जाती और बड़ा क लिख दिया जाता कि ये पढ़ो क, और बालक क को कितना पुष्ट बना लेता है। उसके बाद जैसे जैसे कक्षा बढ़ती तो क छोटा ख छोटा ग छोटा, ऐसे करते 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 जैसे जैसे वो प्राथमिक शाला में जाएगा तो ऐसे यूनिवर्सिटी में जाएगा तो क्या उसको मिठाई दी जाती, खिलौने दी जाते कि जाओ झूले पर हिंचको। यूनिवर्सिटी में गया तो बाद में उसको उपन्यास दी जाती, शास्त्र धीरे धीरे क्रमशः ऊपर उठाया गया है। और सुग्रीव बोल तो बहुत अच्छा रहा, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। और यहाँ सुग्रीव ने बहुत सुंदर बातें रखी। अब भगवान ने सुग्रीव को कहा कि चलो मैं साथ में हूँ, तुम बाली को ललकारो, मैं तेरे बाली को मार दूंगा। सुग्रीव तैयार तो हुआ, लेकिन भगवान से कह रहा है कि महाराज जल्दी करना। बोले घबराओ मत, चलो ले गए।
किष्किंधा के रणांगण में आए। भगवान एक वृक्ष के पीछे छिप कर खड़े, सुग्रीव को कहा तुम जाओ और बाली को ललकारो, मैं पीछे देख रहा हूँ, जब मैं मुझे ऐसा अवसर मिलेगा बाण लगा दूंगा, जाओ। तो सुग्रीव जाता है, फिर भी डरता डरता जाता है, महाराज जल्दी करना, विलंब मत करना। कितना कर्म से घबराया जीव, उसमें एक तौर से देखे ना तो सुग्रीव का कोई दोष नहीं, बेचारा जीव है क्या करे, तो घबराता हुआ गया। भगवान भगवान बहुत दयालु है, बड़ा आनंद कर रहे हैं भगवान, सुग्रीव को भेज कर देख रहे हैं क्या होता है। और यहाँ उसने गर्जना तो की भगवान की शक्ति से, और बाली ने सुना कि सुग्रीव और गर्जना, समझ में नहीं आई। गदा हाथ में लेकर जैसे उठा तो उसकी पत्नी तारा ने चरण पकड़ लिए, अपने पति को कहने लगी सुनु पति जासु मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल ही जीती सकही संग्रामा, काल को भी संग्राम में जीत सकेंगे वो राम लखन है, कृपया आप सुग्रीव के साथ युद्ध करने को आज न जाओ, क्योंकि वो राम को लेकर। तो बाली ने कहा राम जो समदर्शी ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं उसी राम की बात कर रही, बोले हाँ तो वो तो समदर्शी है, मैं उसका बैरी और सुग्रीव मित्र, ऐसा भेद उसमें कभी नहीं हो सकता, और यदि भेद करें तो भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि भगवान के हाथ मेरी मौत हो जाएगी। बाली की समझ देखी, अच्छा हो जाएगा, अपनी भीरू पत्नी को भीरू कहकर मजाक करके पत्नी को एक और रख देते हैं, देता है। और बाली आया अरण मैदान में, तिनके की समान सुग्रीव को जान, तृण समान सुग्रीव वही जानी, आकर उसने आमने सामने युद्ध की शुरुआत हुई। भगवान वृक्ष के पीछे से देख रहे हैं, एक मुष्टि का हनी और सुग्रीव को लगते ही रुधिर बमन हो गया और भागा सुग्रीव मैदान छोड़कर। भगवान के पास आकर कहने लगा महाराज आप कह रहे थे एक ही बाण से मार दूंगा, आप क्या कर रहे थे, ये तो अच्छा हुआ मैं भाग आया, दूसरी मुष्टिका लगी होती तो बात खत्म हो जाती, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे ऋषिमुख पर्वत पर बिठा दो महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को कुछ भगवान जवाब देते हैं कि भाई मैंने तीर तो कब से चढ़ा रखा था, लेकिन दूर से देखता था ना तो पता ही नहीं लगा कि कौन बाली कौन सुग्रीव, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मिलती है, पता ही नहीं रहता कि कौन बाली कौन सुग्रीव। क्या भगवान को ये पता नहीं होगा कौन पूरी दुनिया की शक्ल उन्होंने बनाई है। भगवान ने फूल की माला सुग्रीव के कंठ में पहनाई और कहा कि जा अब जाओ, अब मुझे ख्याल रहेगा कि माला वाला सुग्रीव और बिना माला का बाली, मैं उसको मार दूंगा। भगवान ने विजय की माला पहना दी सुग्रीव के कंठ में और चेतावनी दी बाली को कि बाली मैदान छोड़ दे तो मैं तुझे मारना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जिसके कंठ में जय माला पहना दी उसकी विजय। भगवान बिना चेतावनी दिए किसी को मारते नहीं, लेकिन हमारी साधना कमजोर होती है इसलिए चेतावनी को हम पहचान नहीं पाते। संत लोगों को पहले से पता लग जाता है कि मृत्यु कब कहाँ कैसे होगी, क्योंकि भगवान मृत्यु के संत लोग मृत्यु के पत्र को पढ़ लेते हैं, हमारी साधना इतनी नहीं सक्षम होती है इसलिए हम नहीं। बाकी भगवान किसी को छिप के मारते नहीं, पहले से निमंत्रण भेज देते हैं कि आ रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। बाकी कई इशारे ऐसे हैं, द्रग द्रग नहीं तेज देग जब डग मग पग पग मग मग या लग परम, द्रग द्रग नहीं तेज देग जब डग मग पग पग मग मग अलग परम, चग चग मुख दंत बचन जब फग फग जम अनुचर लग भग जगराम, प्यारे जम अनुचर लग भग जगराम, जियो जम अनुचर लग। ये सब चेतावनी है, ये भगवान के भेजे सब संदेश है। जब आंखों का तेज कम होने लगे, द्रग द्रग नहीं तेज देख जब डगमग देह जब डगमग होने लगे तब समझना खत आ गया, द्रग द्रग नहीं तेज देख जब डगमग पग पग मग मग अलग परम, रास्ते पर पग ठीक से न पड़े इधर इधर डोलता चले,
द्रग द्रग नहीं तेज देग जब डग मग पग पग मग मग अलग पर चग चग मुख दंत बचन जब फग फग लग जम अनुचर लग भग जगरम जियो जम अनुचर लग भग जगरम जियो जम अनु दांत जब गिरने लगे और बोली में ठीक से हम बोल न पाए बोलना हो कुछ और बोला जाए कुछ ऐसी स्थिति जब आए तब समझना कि जम अनुचर लगभग अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंड वृद्धो याति गृहीत दंडम तदपिनम पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते जे भज गोविंदम जीव गोविंदम भज मूढ़ मते ऐसी जब स्थिति आने लगे तब समझना कि अब चेतावनी आ गई। ये सब निशानी नहीं है क्या? ये सब निशानी फिर भी हम नहीं समझ मानते कि नहीं अब तो कोई अभी तो बहुत देर है ऐसा मान ये सब निशानी है। दांत गिरने लगे तो दांत गिरे तो हमने दूसरी व्यवस्था कर ली, मरना नहीं है किसी को ऐसी बात है। ये सब निशानी है, भगवान बिना निशानी किसी को मारते नहीं। तो सुग्रीव को माला पहनाई और ये माला पहनने के बाद बाली का विनाश होता है। और भगवान कितना अनुसंधान कितना रखते हैं उसके लिए तो क्या कहे हाँ, लेकिन बहुत बड़ी उसकी सयानप है, क्या बताएं। वही भगवान जब अंगद विदा ले रहा है अयोध्या से और रोने लगा कि मैं नहीं, अंगद के दिल में सुग्रीव के प्रति थोड़ा वो रहा है कि ये सुग्रीव मुझे ठीक से रखेगा या नहीं रखेगा, जरा तो उसको तकलीफ है ही, इसलिए वो कहता है प्रभु मुझे कहाँ किस किंदा भेज रहे, मैं यहाँ नीच टहल सब करूँगा, यहाँ रखो। उसको भय है कि सुग्रीव मुझे ठीक से रखेगा या नहीं। तो भगवान ने सुग्रीव खड़ा है और अंगद कह रहा है मुझे नहीं जाना है, उसके मन की बात भगवान समझ गए कि जरा ये डर रहा है सुग्रीव से, शायद वो तकलीफ में डालेंगे, इसीलिए भगवान ने निज उरमाल अपने कंठ में पहनी एक माला निकाल कर अंगद के कंठ में डाल दी, अब जाओ। तो अंगद ने कहा कि अब बोले हाँ, ये माला का प्रभाव सुग्रीव भली भांति जानता है क्योंकि उसके कंठ में मैंने माला डाली थी तो तुरंत बाली का मैंने बध कर दिया, अब वो भी जरा टेढ़ा चला तो तेरे गले में माला डालकर भेज रहा हूँ कि वो भी समझ लें कि आज बाली के बेटे के गले में भी मैंने ही माला डाली है, तो वो कभी कुछ नहीं करेगा। इसलिए माला पहना, अपनी माला ठाकुर ने पहनाई, कितना भाग्यवान रहा होगा ये। और उसकी कक्षाएं उसने मोती तोड़े नहीं, हमारे हनुमान जी होते तोड़ फोड़ कर फेंक देते कि इसमें राम नहीं, लेकिन वो बेचारे की क्षमता इतनी नहीं है क्योंकि वो तो उसको जो काम सौंपा गया। तो कहने का तात्पर्य मेली कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल दे ही विशाला, बल दिया अपना हाथ सुग्रीव के शरीर पर भगवान ने घुमाया, तनभा कुलिस गई सब पीरा, सब पीड़ा नष्ट हो गई, शरीर वज्र हो गया, वज्र जैसा हो गया और सुग्रीव दोबारा भगवान की ओर जा रहा, वाली की ओर जा रहा। फिर भी कहता गया महाराज इस बार तो जरा भी विलंब मत करना, बोले जाओ मैं बैठा हूँ। लेकिन दूसरी बार सुग्रीव ने बहुत अच्छा काम ये किया कि लड़ना तो है बाली से लेकिन मुड़ मुड़ कर देखता है राम की ओर, बस कर्म के साथ मुझे तुम्हें सबको लड़ना है लेकिन दृष्टि प्रभु के ऊपर रख कर लड़े तो तकलीफ नहीं। दोनों का पुनः युद्ध होता है और भगवान ने देखा कि अब हारने की तैयारी में पुनः भागेगा, और अब भागेगा तो दूसरी बार उसको तीसरी बार भेजना कठिन, तो भगवान ने तुरंत शरसंधान कर लिया और बाण फेंका और तान करके बाण फेंका गया और सीने में बाण लगा, बाली गिर पड़ा। भगवान दौड़कर मस्तिष्क के पास खड़े रहे, पैरों के पास सुग्रीव है, रक्त बह रहा है सीने से। बाली ने देखा प्रभु की ओर तो बहुत खुश हो गया कि मेरे ऐसे कौन कर्म है
कि आज मौत के समय परमात्मा मेरे सर पर है। फिर भी वो बड़ा अभिमानी था ना, इसलिए हृदय के प्रेम को हृदय में दबाकर भगवान के सामने जरा परुष वाक्य बोलने लगा कि महाराज मैं बैरी और सुग्रीव आपका मित्र, ये भेद आप में कैसे आया, आपने भेद क्यों किया, न्याय मांग रहा है भगवान से। और भगवान कहते हैं कि मैं बिना गुनाह किसी को नहीं मारता। तो बोले मेरी कौन सी कसूर है। तब कहा कि छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, अपनी बहन और अपनी बेटी, इन चारों से व्यक्ति को चाहिए बाप बेटी का संबंध रखे, उस पर कोई कुदृष्टि करता है तो उसको मारने में कोई दोष नहीं। तुम अभिमानी हो, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, मूढ़ तुम्हें बहुत अभिमान है। और नारी सिखावन करे सिन काना, तेरी पत्नी ने कहा वो भी तूने नहीं माना। राम जी ने जब ये कहा कि तेरी पत्नी ने तुझे कहा ये नहीं माना, तब बाली को यकीन हो गया कि ये ब्रह्म है, क्योंकि मेरी पत्नी घर बोली थी, वो यहां कैसे जान गए। सुनई बिनु काना सिद्ध हो गया, भगवान कान बिना सुन सकते। अब ख्याल आ गया बाली को कि ये ब्रह्म है। भगवान से कहने लगा, प्रभु आपके पास मेरी चतुराई चातुरी नहीं चलती। प्रभु अजहू मैं पात की अंत काल गति तोरी, मैं इतना पापी लेकिन मैं कितना भाग्यवान आज कि आप अंतकाल में मेरी गति आपकी ओर हो रही। जब बाली का अभिमान हट गया, रोग मिट गया, भगवान को लगा कि बस उसको अब मारने की क्या जरूरत। कहा कि बाली चलो मैं तुम्हें अचल बना दूं, मुझे तुम्हें नहीं मारना है, तुम्हारे अभिमान को मारना है, प्रभु दुर्गुण को मार। बाली से भगवान को क्या तकलीफ है, चलो मैं अचल कर दूं, स्पष्ट लिखा है। फिर भी लोग बिना सोचे आक्षेप करते हैं हमारे प्रभु पर कि भगवान ने दगा किया। हम रात दिन करते हैं ना, इसलिए हमको दगा ही दिखाई देता है, भगवान ने धोखा किया। कहाँ धोखा, धोखा करते तो ये कहते हैं, अचल करो तनु राखहु प्राणा, अचल करो तनु बाली कहा सुनु कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतकाल आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म। बाली को भगवान ने कहा मैं तुम्हें शाश्वत बना दूं, मुझे मारना नहीं तुम्हें। तो बाली ने कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, अब मैं जीना नहीं चाहता। ऐसा कौन मूढ़ हो सकता है, मुझे अभिमानी जानकर आप कहते हैं कि तेरे शरीर को रखूं। नहीं महाराज, ऐसा अवसर कब मिलेगा। जन्म जन्म तक महात्मा लोग यत्न करें फिर भी अंत में आपके दर्शन दुर्लभ। ऐसे प्रभु आज मेरे लोचन के सामने आकर खड़े हैं, मैं किस कारण देह को राखूं महाराज। अब तो एक ही इच्छा है कि बस आप खड़े रहें और आपको देखते देखते मेरे प्राण चले जाएं। और दूसरे जन्म में कर्म के अनुसार जहाँ भी मेरा जन्म हो, बस पहले से ही आपके चरणों में प्रीत हो जाए, इतनी कृपा करना। ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा मैं जीना नहीं चाहता, बस मैं आपके पास प्राण त्यागना चाहता। तो भगवान की स्तुति। सोनयन गोचर जा सुगुन नित नेति कहि श्रुति गाव, जित पवन मन गोनी रस करि मुनि मोहि जानि अति अभिमानु, अस कवन सठ हठ काट सुर तरु बारी करहि बबूरगी, अब नाथ करि करुणा जेहि जौनि जन्मो करम बस तह राम पद अनुराग, यह तनई गहि बाघ सुर नर नाग यापन दास अंगद कीजिए, गहि बाघ। महाराज मैं जीना नहीं चाहता, बस
कर्मानुसार मेरा जहाँ जहाँ जन्म हो आपके चरण में प्रीत बने। और अंतिम बात बाली ने बहुत सुंदर की, अपने युवान अंगद के हाथ पकड़ करके कहा कि महाराज इस मेरे बेटे को आप हाथ पकड़ कर रख लो, क्योंकि इस बेटे में मुझ जैसी शक्ति मुझ जैसी बुद्धि है, इसलिए मुझे डर है कि इस बुद्धि और ताकत से कहीं मेरे जैसे गलत काम न कर दे ये बालक। मेरी इच्छा है ये युवान बेटा आपके पास रहे। कितना अच्छा काम किया ही साहब, वरना वो न्यायी था, कह सकता था कि भले ही मुझे मारा लेकिन परंपरा के अनुसार गादी मेरे पुत्र को मिलनी चाहिए, अंगद को। राज के लिए जरा भी प्रस्ताव नहीं रखा, अंगद को राज्य में भाग मिले अथवा तो राज्य का कुछ कारोबार वो करे, वो तो भगवान का फैसला है, बाली का फैसला नहीं। भगवान ने कहा अंगद सहित करे हो तुम राज, संतत हृदय राखी मम काजू। बाली ने तो कहा, बाली समझ गया, सुग्रीव जो कहता था कि मित्र परिवार ये सब राम भक्ति के बाधक हैं, वो केवल बोल रहा था और ये आदमी करके दिखा रहा। सब ममता छोड़ दी, अहंता तो छोड़ दी, भगवान के बाण से अहंता छूट गई, जो अहंकार के वशीभूत था ये आदमी, प्रभु ने तीर लगाया, अहंता छूटी और ममता बची थी। आज ममता का हाथ भी ठाकुर के हाथ में देता, ममता भी छूटी। और जिसकी अहंता ममता दोनों छूट जाए उसकी मौत योगी जैसी हो जाए, उसमें क्या फर्क रहे। तो पुत्र को बाकी बहुत कठिन है ममता को छोड़ना, इस आदमी ने ममता भी छोड़ दी, मेरे पुत्र का हाथ आप ले ले बस प्रभु। मरते मरते हाथ पुत्र का दे दिया भगवान के हाथ में। बस संसार में वही वाली वही पालक वही पिता सच्चा पिता है जो अपनी संतान का हाथ प्रभु के हाथ में सौंपे, सत्य के हाथ में सौंपे, ठाकुर के हाथ में। हर माता पिता को चाहिए ये कथा सुनने के बाद कि अपनी संतान को प्रमाणिकता और सत्य के हाथ में सौंपे। ये कथा आप सुनते हो तो आपकी जिम्मेदारी है, बस सुन सुन कर कल उठकर मत चले जाना, संकल्प करके जाना। हमारा जीवन बिगड़ा भले बिगड़ा लेकिन संतानों को कहो कभी असत्य का आश्रय मत करें, उसको समझाओ। माँ बाप नहीं समझाएं तो कैसे काम चलेगा। जो माँ बाप अपने बालकों को ये संस्कार नहीं देता वो माँ बाप का घर बालकों के लिए घर नहीं, लॉज है। वो खाता है सोता है स्कूल जाता है, वो परिवार नहीं। परिवार वो है, कुटुंब वो है, माता पिता वो है जो अपनी संतान को सत्य को सौंपे। और सबको करना चाहिए, ये करना चाहिए। माँ बाप ही नहीं करेंगे तो, हमने एक बात सुनी कि एक आदमी चला जा रहा था बाजार में तो अटारी से किसी ने एक पत्थर फेंका, तो अच्छा हुआ बाल बाल बच गया, वो लगा नहीं इस आदमी को, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आ गया। तो एकदम ऊपर देखा तो एक एक भाई खड़े थे, उसको डांटने लगा ये पथिक, कहा कि जरा अपने बच्चे को संभालो, ऊपर से पत्थर गिराए जा रहे हैं, लग जाता चोट लगती तो जरा संस्कार तो दो अपने बालकों को। ये आदमी ने कहा, तो जो खड़ा था उसने कहा देखो भाई आपको पत्थर लगा, बोले नहीं, लहू निकला चोट आई, बोले नहीं, तो ये मेरे बेटे ने नहीं फेंका, मेरे बेटे ने फेंका होता तो आप अस्पताल होते। लेकिन ये दूसरों को डांटो, मेरा बेटा जिसको मारता है तो ठीक ही कर देता है। माँ बाप ही ऐसा करेंगे तो फिर क्या करेंगे। माँ बाप अपनी संतानों को सत्य के शरण करें, और पुरुष न करें तो माताओं को मेरी प्रार्थना तुम अपने बालकों को सत्य के पाठ सिखाओ। और महाराष्ट्र को तो खास करना चाहिए। जीजी बाई ने एक शिवाजी को पलने में पौढ़ा कर सत्य के पाठ सिखाए तो पूरे हिंदुत्व और भारतीयों की रक्षा कर ली इस महापुरुष ने। एक वो कहाँ से आया शिवा में, ए शक्ति शिवाजी में कहाँ, ये महाराष्ट्र की भूमि की देन है पूरे भारत को। एक जीजी बाई जब शिवाजी पलने में सोता था तो उसको शिवो बा कहते कहते उसको रामायण की कथा सुनाती थी जीजी भाई। हाँ, और वो सुनते सुनते ऐसा महान हुआ कि पूरे भारत का गौरव बढ़ाया। हाँ, इसलिए हमारे गुजराती में लिखा गया उसके बारे में
घुमाऊ गेल चांद लोने जी जी बाई ने आगा बाल रे जी जी बाई ने आगा मा आप घुमाऊ गेल माऊ गेल चांद लोने जी जी बाई ने आगा बाल रे जी जी बाई ने आगा शिवाजी ने मात ही चोले धनन डूंगरा डोले शिवाजी ने मात ही चोले धनन डूंगरा डोले ए शिवाजी ने नींद रुनावे माता जी जी बाई झूलावे शिवाजी ने नींद रुनावे माता जी जी बाई झूलावे शिवाजी ने नींद रुनावे माता जी जी बाई झूलावे राम लक्ष्मण नी वात रे शिव राम लक्ष्मण नी वात पारणे पौड़िन पारणे पौड़िन सांभली तीन राम लक्ष्मण नी वात शिवाजी राम लक्ष्मण नी माता जी ने मुख दे दी थी ऊख यानी नींद ते दी थी माता जी ने मुख दे दी थी ऊढ़ी यानी नींद ते दी थी शिवाजी ने नींद रुनावे माता जी जी बाई जुलावे अपने शिवा को खिलौना देती थी जीजी बाई और कहती थी बेटा जितना खेलना हो खेल लो खिलौने से लेकिन तुम जरा बड़ा हो जाओगे ना तो मैं सब खिलौने तुझसे ले लूँगी और उसके बाद तेरे हाथ में शमशेर दे दूँगी तलवार दे दूँगी तेरी संस्कृति की रक्षा के लिए उसके बाद खिलौने नहीं खेलना तुम्हें ते दी तारे हाथ रेवानी राती बम बोल भवानी ते दी तारे हाथ रेवानी राती बम बोल भवानी ए ते दी तारे हाथ रेवानी राती बम बोल भवानी शिवाजी ने नींद रुनावे माता जी जी बाई झूलावे एक जीजी बाई ने पलने में पौढ़ा कर शिवो बा को ऐसा तैयार किया है कि वो गौरव बन चुका हा? हर माताओं महाराष्ट्र की माताओं तो खास ये काम कर अपनी संतानों को ये संस्कार दें अपना अपनी संतान व्यसनी न बने तुम्हारे घर में व्यसनी पुरुष व्यसन कर रहा है तो उसको कहो बालक पर बुरी असर पड़ेगी या आप व्यसन बंद कर दे तो अच्छी बात है वरना आप बाहर जाकर व्यसनी रहे बालक पर बुरी असर हो रही है महाराष्ट्र की माताओं को ये करना चाहिए अपने पति को अपने घर में रहे पुरुषों को समझा बुझाकर प्रेम देकर निर्व्यसनी बनाना चाहिए कि क्यों व्यसन में फंसे जा रहे हो संतान पर बुरी असर पड़ेगी माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी है और माँ बाप सफल नहीं होते तो शिक्षक नहीं सफल होते मनोविज्ञान तो बहुत भीतर ले जाता है शिक्षण शास्त्री तो कहते मुझे एक शिक्षणविद बता रहे थे कि पहले 2 साल में बालक के चित पट पर जो छाप लग जाती हैं वो छाप कायम रहती है बाकी कितना पढ़ाओ तो ये सब कलई है ऊपर बाकी अच्छी छाप या गलत छाप 2 साल का होता है तब जो हो गई सो हो गई उसके बाद पढ़ाओ ये करो ये सब ऊपर वाली बात है बाद में कुछ बन 2-3 साल का बच्चा होता है उस वक्त उसको जो जो कर दिया जाए हाँ ऐसा वो बन जाता है इसलिए माता पिता बहुत चौकन्ने रहे
सावधान रहे, अपने बालकों को भीरू मत बनाए, निर्भय बनाए, दानी बनाए, शूरवीर बनाए, भक्त बनाए। ऐसा घर घर में एक एक लड़का उठ जाए तो काम बन जाए। किसी की ताकत नहीं हिंदुस्तान पर बुरी नजर कर सके, हिम्मत नहीं कर सकेगा कोई। एक एक घर से एक एक नौजवान ऐसा उठ खड़े हैं और वो माँ कर सकती हैं। अपने उदर में बच्चे हो तब चलचित्र कृपया मत देखो, अपने पेट में जब संतान है तब रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सत्संग करो, सदाचार में जियो, ताकि गर्भ में संस्कार आ जाए। कहाँ हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, एक हिरण्यकशिपु के घर ऐसा भक्तराज पैदा हो गया, कैसे? क्योंकि कयाधु के पेट में जब प्रहलाद था तब नारद के सत्संग में रही और ये भक्तराज निर्माण हुआ। ऐसा करना चाहिए माताओं को, पुरुषों को। पुरुष तो नहीं करेंगे, वो विश्वास नहीं बैठता हमको, इसलिए हम माताओं को प्रार्थना करते हैं। पुरुषों का तो राधे राधे, ऐसा कुछ नहीं करते, बस ऐसे तैसे कमाओ, व्यसनी बनो, ये करो। क्या किए जा रहे हो? हिंदुस्तान में जो जन्म लेते हैं उसकी जिम्मेदारी है ठीक से कदम रखे। शिवाजी, इस पत्थर में पानी और मेढक उसको कौन खिलाता था? तू खिलाता था, उसकी रोजी तू देता था। खुदा है खरादी, अकल उसमें जादी, वो आदि अनादि का करता कहाया, पवन आग पानी सु मिट्टी मिलानी, रदम सी निशानी से आदम बनाया, किया कान नाशा ससम चसम का तमाशा, जुबा का खुलासा दो कलमा पढ़ाया, मुरादम कहे जो सही करके देखा, तो खुदा ने किया सो अकल में न आता। खुदा है खरादी, क्योंकि अकल उसमें जादी, वो आदि अनादि का करता कहा है, तू क्या करता है? भागवत जी पर एक श्रीधराचार्य ने टीका लिखी है, जिसको बड़ी प्रसिद्ध टीका मानी गई भागवत में। श्रीधरी टीका को भागवतकार बहुत आश्रय लेते, श्रीधरी का ज्यादातर आश्रय लेते हैं महात्मा लोग। वो श्रीधराचार्य गृहस्थ थे, तो एक दिन वो भागवत की लिख रहे थे, उस पर अपनी कलम चला रहे थे, उसको सोच विचार आया कि मैं चला जाऊं और ये करूं, तो सोच विचार आया कि मैं जाऊंगा तो ये बच्चे का बीवी का गर्व हो गया उसको, महात्मा क्या होगा, कौन पालेगा, मैं हूं तो ये सब। इतने में एक गरुली का बच्चा गिरा वहां, ऐसी कथा आती, और श्रीधराचार्य देख रहे हैं कि उसको कौन खिलाएगा, और उतने में एक सूक्ष्म जंतु अपने आप उसके मुंह में जाता है और उसको पोषण मिल जाता है, आंख में आंसू गए। तो इतनी बड़ी व्यवस्था है विराट में, और मैं हूं करता चला। उसी वक्त उसने निर्णय कर लिया है, ऐसा श्रीधराचार्य के जीवन में कथा आई। और शिवाजी को कहा कि बोलो भाई, उसमें पानी किसने दिया, मेढक को जिंदा किसने रखा, उसको कौन निभाता है? शिवाजी समझ गए कि बाबा अंतर्यामी है, आंख में आंसू आ गए, मेरी भूल हो गई, मैं गर्व कर रहा था, मेरी भूल हो गई, क्षमा करें, मैं किसी को नहीं खिलाता, तो बस सावधान रहना, खिलाने वाला कोई और है, तुम तो निमित मात्र बने जा रहे हो, ऐसी बड़ाई मत करो। रमण रेती में अन्न क्षेत्र है, वृंदावन जो जाएगा वहां एक दो चार मुझे याद नहीं पंक्तियां बहुत अच्छी लिखी अन्न क्षेत्र में। मैंने ऐसी पंक्ति पहली बार पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका भाव मैं बता रहा हूँ आपको। वहां लिखा है कि खाने वाला भी वो है, खिलाने वाला भी वो है, आप यहाँ आकर खाते हो तो हम पर बड़ा अनुग्रह होता है, इसलिए आप यहाँ आकर प्रसाद ले। बहुत सुंदर पंक्तियां कविता के रूप में, उसका कुछ करीब करीब भाव ऐसा है, कौन सबको खिला, सब वही का तमाशा है। रहे शेर बन में महामस्त मन में, उसे तीन दिन में से रोटी दिलाता, तीन दिन में तो खुराक अपने आप, अजगर के मुंह में अपने आप खुराक। और तुम भी कभी अकेले बैठकर तो देखो, प्रयोग करना कठिन है, लेकिन कहीं अकेले बैठकर देखो तो तीन दिन में कहीं से रोटी आती है, क्योंकि उसने हमारी जिम्मेदारी ले ही कि पानी अन्न हवा ये हम देंगे, तुम कितनी ही बुराई करो लेकिन ये हम देंगे, जाओ
वो राशन लिखा कर आए हैं, सबको वो देता है। दास मलुकायु कहे सब का दाता राम। तो शिवाजी का गर्व उतर गया गुरुदेव के चरण में, ऐसे समर्थ गुरु मिले। जब शिवाजी की विजय हुई तो विजय के बाद वो दौड़े और स्वामी रामदास जी के चरण में गिर गए। बाबा मैं जानता हूं दुनिया शिवा की विजय कहते हैं, लेकिन ये मेरी विजय नहीं, गुरुदेव आपकी कृपा की विजय, आप नहीं होते तो विजय, और ये गादी पर आप बैठ जाए। रामदास जी कहते हैं नहीं, हम नहीं बैठेंगे, शासन तुम करो, नीति से भारतीय संस्कृति का जतन करो। बहुत कहा कि नहीं आप कुछ, उसके बाद कहा कि अच्छा ऐसा करो, निशानी में भगवे ध्वज को अपने राज्य में रखो। तो उसी वक्त से शिवाजी ने गेरुवे रंग का अपनी ध्वजा बनाई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की माताएं अपने बालकों को ये संस्कार दें, इस भूमि की ये ताकत है, बड़ी शक्तिशाली भूमि है। माँ बाप ही नहीं करेंगे तो फिर क्या करें। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु, इस बालक को आप स्वीकार कर लीजिए तो सही बाल ये हैं जो अपनी संतान को भगवान के हाथ में सौंपे। राम चरण में प्रीत करके बाली ने शरीर त्याग दिया, योगी की तरह मृत्यु हुई है, और यहाँ तारा रोती हुई आई। भगवान ने उसको ज्ञान दिया कि जीव तो मेरा है और नित्य है, तुम किसके लिए रो रही हो, और ये शरीर तेरा है तो ले जाए, तेरे सामने पड़ा है। जीव तो नित्य है, वो तो मरता नहीं, उसको कोई मार सकता नहीं, तुम किसके कारण रो रही हो। तारा को ज्ञान हुआ और भगवान ने उसको ज्ञान प्रदान किया, वो समझ गई। बाली का संस्कार हुआ, किष्किंधा का राज तिलक सुग्रीव को हुआ और अंगद को युवराज पद दिया गया। किष्किंधा का मालिक बनकर सुग्रीव भगवान के पास आता है और भगवान ने अब सुग्रीव को कहा कि तुम अंगद को साथ में रख कर राज करो। कर्म के अंश को साथ में रख दिया, क्योंकि बिना कर्म ये आदमी नहीं रह सकेगा, भले ही ज्ञान की बात करे, भगवान उसकी नाड़ी को ठीक से पहचान गए, इसलिए कहा कर्म के अंश को साथ में रखो और राज करो, मुझे समर्पित कर्म का आश्रय करो। जो बाली ने अपना बेटा मुझे समर्पित कर दिया है उसी के उसको साथ में रखकर कर्म करो, तकलीफ नहीं होगी, जाओ राज करो। और चातुर्मास शुरू हो रहा है, मैं प्रवर्षण पर्वत पर बसूंगा चार मास, और चातुर्मास पूरा होते ही सुग्रीव तुम्हें मेरा काम करना है, मैंने काम कर लिया, अब तुम्हें जानकी की तलाश करना है। सुग्रीव वचन देता है और भगवान को प्रस्ताव भी नहीं रख, देखिए वो अभी अभी पहले तो बात कर रहा था ये सब झूठा है, भक्ति में बाधक है, बहुत ऐसी बातें बोलता था, लेकिन अब भगवान को इतना भी विवेक नहीं कर रहा है कि जरा आप मेरे नगर में पधारे, ऐसा भी नहीं कहा कि अच्छा आप गुफा में जाओ मैं घर चलूं, भोगो, इतना भोगवादी हैं। तो तुरंत सुग्रीव अपने घर गया और राम प्रवर्षण गिरी पर छाए, भगवान आ गए प्रवर्षण पर्वत के ऊपर जहाँ देवताओं ने पहले से गुहा बना रखी थी कि भगवान कभी आकर यहाँ निवास करेंगे। और भगवान और लखन चार मास इस गुहा में निवास करते हैं। वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, आकाश में बादल चढ़ने लगे, मेघ आच्छादित आकाश होने लगा, मेघ की गर्जना होने लगी, मयूर गहकाट करने लगे और पूरी सृष्टि में से गंध निकलने लगी है, धरती में से बारिश का महीना आया और भगवान बैठे बैठे लखन जी के पास वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कुछ चौपाइयों में वर्षा का वर्णन करते, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, पिया ही न डर पत मन मोरा, प्रिया ही न डर पत मन मोरा, प्रिया ही न डर पत मन मोरा,
आकाश में बादल चढ़ने लगे हैं। लखन देखो, इस मेघ को देखकर मयूर कैसे नृत्य कर रहे हैं। भगवान दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई वैष्णव के घर भगवत भक्त आ जाए और वैष्णव परिवार जैसे नाचने लगता है कि हमारे घर भगवत भक्त आए, वैसे मेघ के आगमन को देखकर मयूर के वृंद नृत्य करने लगे। घन घमंड हुआ है, मेघ की गर्जना हो रही है और भगवान लक्ष्मण जी को कहने लगे, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रिया के वियोग में मेरा मन डर रहा है। लोग इस चौपाई पर बहुत मारामारी कर रहे हैं, बहुत चर्चा कर दे, भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा मन डर रहा है। वर्षा में भगवान का मन डरने लगे। हम कहीं बाहर गए और पत्नी अपने पिता के घर गई और हम अकेले कहीं बस रहे हैं और बहुत बारिश आने लगे तो हम रोने लगे कि अब क्या होगा, पत्नी नहीं है और बारिश बहुत गिर रही है, अब मेरा क्या। ऐसा सामान्य आदमी भी नहीं करता, ज्यादा खुश होता है कि अच्छा हुआ वो गई। वो कभी ऐसे तो राजी नहीं होगा, वो डरेगा तो नहीं। तो भगवान क्या वर्षा से डर जाए। कच घन माला जिसके बाल बादल हैं, मेघ जिसके बाल हैं, वो क्या बादलों से डरेगा कि ये मेघ गर्जना होती है तो मैं सीता जी से। लखन जी समझ गए कि प्रभु लीला कर रहे हैं, अब मानव लीला कर रहे हैं। एक संत ने कहा, भगवान इसलिए कह रहे हैं मेरा मन डर रहा है क्योंकि हम तो पुरुष हैं, ऐसी वर्षा में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन आज सीता कहाँ होगी, मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये बात जरा जचती है कि आज प्रिया के बिना मुझे चिंता कि वो कहाँ होगी, जानकी कैसे रखी गई होगी, वहाँ भी बारिश होती होगी, ऐसा वो सोचने लगे। एक संत ने कहा, प्रिया ही शब्द तोड़ दिया, जैसे तोड़ना अच्छा नहीं लेकिन हमने जैसे जैसे सुना है महात्माओं से तो कह देते हैं, प्रिया ही न डरपत मन मोरा, प्रिय बदता अही, जिसको अही प्रिय है ऐसा मोर, सर्प का जो भक्षण करता है, प्रिया ही प्रिय अही, सर्प छोटे छोटे को खा लेता है मोर, प्रिया ही जिसको सर्प प्रिय है न डरपत मन मोरा, ऐसे मोरों का मन नहीं डरता, बाकी तो इस बारिश में सब डरते हैं, मोर नहीं डरते हैं, जो प्रिया ही हैं वो कभी डरते नहीं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ठीक है चलो, लेकिन गोस्वामी जी के शब्दों में तोड़ना अच्छा हमको तो नहीं लगता, लेकिन सुनते हैं तो एक आनंद के खातिर भी अर्थ बन जाता है, बाकी तो प्रिया ही न, ऐसा लिखा। आकाश में बिजली हो रही है और छिप जाती है, जैसे दुर्जनों की प्रीत दिखाई देती है, पुनः लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आकाश के बादल नीचे आकर बरसने लगे, जैसे सज्जन को विद्या मिलती है और झुक झुक कर वो बरसने लगता है। आकाश के गिरे वर्षा के बूंदों को पहाड़ कैसे सह रहा है लखन, जैसे दुर्जनों के शब्दों को संत सह लेता है। कितना स्वच्छ पानी आकाश से गिर रहा है लेकिन भूमि के संयोग से डाभर बन गया, जैसे जीव शुद्ध बुद्ध है माया के संगम से वो डाभर बन गया है, माया भी बन गया है। सरिता के जल दौड़ दौड़ कर भगवान समुद्र में लीन होते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जैसे जीव भगवान को पाकर स्थिर हो जाता है। पूरी धरती हरित हो गई है, लीली हरी हो गई है, कहीं समझ में पंथ नहीं दिखाई देता, जैसे पाखंडियों के बाद विवाद से सदग्रंथ की बातें छिप जाती हैं। दादूर की धुनी में मुझे वेद घोष सुनाई देता है लखन। भगवान ने बहुत वर्णन किया है वर्षा का, और वर्षा ऋतु ही ऐसी है कि उसका वर्णन हर कवि कर लेता है, व्यास जी भी कर लेते हैं, कालिदास भी कर लेते हैं, कोई ऋतु ही ऐसी है क्या करें, क्योंकि और ऋतु तो आए चली जाए पता ही नहीं रहता व्यस्तता में, लेकिन बारिश ऋतु ऐसी है कि दुनिया भर को पता लगता, छोटे से आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी समझ लेता है कि वर्षा प्रभु की कृपा की बड़ी अद्भुत ऋतु है। लेकिन इस वर्षा में भूल जाए तो शरद का ताप लग जाता है। परमात्मा की कृपा की वर्षा में साधक जब सीता खोज भूल जाता है, भक्ति को पाना भूल, ऐसे मौके पर तो भक्ति पाने के बहुत साधन कर लेने चाहिए। जब वर्षा होती है तब तो जितने बर्तन हो सब भर लेना चाहिए अपने पास, और लोग उसी में ही बांध भूल जाते हैं, सोचते हैं इतनी बारिश होती है क्या भरने की ज़रूरत है, और ऐसे सोच में दिन गंवा देते हैं
तो शरद आके शरद का ताप उसको घेर लेता है, क्योंकि ऋतु तो यहाँ बदलती ही रहती है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये ऋतु का चक्र चलता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, वर्षा बड़ी प्यारी ऋतु है भगवान की। ये वर्षा आपको ऐसी नहीं लगती, चमत्कार नहीं है वर्षा? अभी इतनी कड़ी धूप लग रही है, लेकिन जैसे जैसे बैसाख पूरा होगा और जेठ के कुछ आरंभ के दिन होंगे और आधा जेठ समाप्त होगा, तो कहीं कहीं से मेघ की घटाएं आकाश में आने लगे। क्या जीवों का ख्याल करते हैं वो परमात्मा? क्या हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए कि अब मेघ आए ना? अपने आप आ जाते हैं। पापी पुण्यवान सबके घर में बस सरा बोर कर दे, कितने दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। तो वर्षा ऋतु अद्भुत है, इसका वर्णन कवियों ने बहुत किया है। हमारे सौराष्ट्र के साहित्य में भी चारणी भाषा में तो बहुत वर्णन है। एक दो सुनिए। वर्षा का वर्णन कवियों ने कई ढंग से कई छंदों में किया है, अपनी अपनी भाषा में। यशाढ़ घघूमी लूमी अयंबर वदलु बेवा चोवलियम महलार महलिए लाड गहलिए नीर जले न छले नलियम इंद्र गाज यगाज करे घर ऊपर अम्ब नया सर उभरिया। शब्द देखिए, अम्ब नया सर उभरियम, अम्ब यानी आकाश, आकाश के सरोवर आज उभरा रहा है। अम्ब नया सर उभरियम अजमाल नथु तन कुवर यालन सोई तनी ऋतु सांभरियम मन सोई तनी ऋतु सांभरियम जीव सोई तनी ऋतु सांभ। अषाढ़ घघूमिए लूंबिए अंबर वत्तल देवल चोवलियम बादलों के कई कई पास लग गई, एक दो तीन ठठ लग गई। अषाढ़ घघूमिए लूंबिए अंबर वत्तल बेवल चोवलियम महलार महलिए लाड गखलिए नीर जलन छले नलियम। आदमियों के गृहस्थों के मकान के नलियों में नीर कहीं रुका नहीं, छलका जा रहा नीर छले नुरक नलियम इंद्र गाज यगाज करे घर ऊपर। सब लोगों के घर के ऊपर इंद्र महाराज की नौबत बज रही, इंद्र गाज यगाज करे घर ऊपर यम नया सर उभरियम अजमान न धूतन कुवर यालन सोई तनी ऋतु सांभरियम मन सोई तनी ऋतु सांभरियम मन सोई तनी। अषाढ़ उचारम मधुर मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नाला ही संभारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरखारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरिधारी जियु गोकुल आवो गिरिधारी जियु गोकुल आवो गिरिधारी जियु गोकुल आवो गिरिधारी। अषाढ़ गम गम धरा धम धम बरल चम चम बिजली कवि काग लिखते हैं। अषाढ़ गम गम कर रहा है, अषाढ़ गम गम धरा धम धम, अषाढ़ गम गम धरा धम धम बरल चम चम बिजली आकाश में। हमारे गुजराती में कहते हैं बिजली ऊंद गलोटिया खाई, ऐसे आई ऐसे गई। साठ गम गम धरा धम धम बरल चम चम बिजली जीव बरल चम चम बिजली साठ गम गम धरा धम धम बरल चम चम बिजली जीव बरल चम चम बिजली जीव बरल चम चम बिजली बरल चम चम बिजली जीव बरल चम चम। वर्षा ऋतु पूरी हुई, अभी तो शुरू ही नहीं हुई।
लेकिन तो कथा में तो कब भी शुरू होती है कब पूरी हो जाती है ऐसा। चलो अब कथा पूरी करना है ना, इसलिए चलो आगे बैठ। भगवान कितने दयालु हैं कि जब बारिश चाहे बारिश आ जाते हैं। दीन के दयालु, दीन के दयालु, दीन के दयालु, दीन के दया। दूसरा न कोई दीन के दया, दीन के दया। दूसरा न कोई दीन के दया, दूसरान तो बारिश जब आए तो थोड़ा भिगना। लोग तो बारिश आते हैं तो तुरंत खिड़कियां ये बंद करके कमरे में, जरा भगवान की कृपा को अपने ऊपर आने दे, तुरंत छाता। नहीं नहीं, वर्षा से भीगना, थोड़ा ताप में तपना, चांदनी में बैठना है। ये प्रकृति कितनी कृपा कर रही है और हम लोग अपने आप को छिपाए जा रहे हैं। दीन के दया, दूसरा न को दिन के दया। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। वर्षा गई, शरद आई, लखन देखो पूरी ऋतु में परिवर्तन हो गया है। अब भी सीता का समाचार नहीं आया। सुगरीब ही सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोश पूरे नारी। सुग्रीव हमारी बात भूल गया, क्योंकि राज मिला, कोश मिला, नारी मिल गई, अब उसको हमारी क्या पड़ी। लेकिन उसको पता नहीं, जेहि सायक मैं मारा बाली, तेहि सरहतो मूढ़ कंकाली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा, वही बाण से मैं इस मूढ़ को कल मारूंगा। भगवान बोल देते हैं। कुछ लोग बहुत चर्चा करते हैं कि भगवान ने कहा इस मूढ़ को मैं कल मार दूं, तो मारा क्यों नहीं। भगवान बोले तो थे कि मार दूं, तो क्यों नहीं मारा। भगवान ने कहा कल मारूंगा, आज शाम तक ना आए तो कल मारना, तो शाम तक तो आ गया, फिर मारने की क्या जरूरत। सीधी बात है। अथवा तो एक संत ने कहा, मैंने जिस बाण से बाली को मारा, जेहि सायक मैं मारा बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा, यही बाण से सुग्रीव को मारूंगा, तेहि सरहतो, यही सर से मैं उसको मारूंगा, तो मूठ कहे काली। लोग मुझे मूठ कहेंगे कल कि राम ने मित्र द्रोह कर दिया। होता तो है उसको जरा सावधान करूं, लेकिन लोग मुझे मूठ कहेंगे कि उसको मारना ठीक नहीं, मित्र बनाया है तो अब कुछ दूषण भी उसको सहन कर ले। तो कल मारने की बात कही है और शाम तक तो वो आ जाता है, इसलिए मारने का कोई प्रश्न। अथवा तो भगवान की कल कभी होती नहीं, वो काल अबाधित है।
और भगवान ने जब इतना वाक्य कहा तो लखन जी को तो ऐसी भाषा बहुत अच्छी लगती है, तुरंत खड़े हो गए कि महाराज मारना ही है तो कल क्यों, आज ही, क्योंकि पिताजी कल की बात करने गए तो रामराज 14 साल दूर चला गया, कल का भरोसा मत करें, आज ही मार दो। भगवान ने कहा नहीं भाई, दिखा कर ले आना। जब साधक प्रभु के दिए वचन को भोग में भूल जाता है तब भगवान काल को भेजता है, और भोगी काल से ही सुधरता है। भोगी को काल के भय के बिना सुधारना कठिन है, विषयों को सुधारने में काल ही समर्थ। यहाँ सुग्रीव भगवान के कार्य को चुक गया, हनुमान जी ने उसको जागृत किया, सुग्रीव कांपने लगा, कहा कि विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया, हनुमान जी क्षमा करें, दूतों को भेजो ले आए बंदर और भालुओं को, यहाँ बुलावा भेजा। इतने में तो लखन जी आ गए, भगवान ने कहा भय दिखाना, मारना मत, थोड़ा भय दिखा। साधक जब भूल करता है तो भगवान थोड़ा जैसे माँ बालक को जरा डांटती है, एक बार भोजन नहीं देगी कि चलो ऐसी फिर कभी भूल के आज खाना नहीं मिलेगा, ऐसे जरा डांटा है लखन को, थोड़ी विपत्ति भेजी। तो आए लखन जी, नगर को जला दूं बोले, सुग्रीव कांपने लगा, हनुमान जी उसको ले आते हैं घर में, सुग्रीव ने क्षमा मांगी और सुग्रीव को लेकर लखनलाल जी भगवान के पास आते हैं। भगवान के चरण में आकर सुग्रीव ने कहा आपकी माया अति प्रबल है, विषय ने मेरा ज्ञान हर लिया, मुझे ज्ञान उत्पन्न तो हुआ था, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, लेकिन विषयों ने घेर लिया और मेरे ज्ञान को हर लिया, मुझे क्षमा करे महाराज, अब मैं तैयार हूँ। इतने में तो भालू बंदर के हर कई संख्या में भालू बंदर आने लगे, और इस 3 टुकड़ी बनाई, एक को पूरब में, एक को पश्चिम में, एक को उत्तर में भेजी, और 4थी टुकड़ी जिसका नायक अंगद बना उसको हनुमान नलनील जामवंत सबको रख कर कहा कि इस टुकड़ी दक्षिण में जाए और सीता की शोध करके आए। अंगद को कहा सुग्रीव ने कि देखो काम किए बिना आए तो मेरे हाथ से मृत्यु दंड मिलेगा, करो या मरो ये सूत्र दिया, और अंगद वाली टुकड़ी हनुमान जी के साथ सब के साथ दक्षिण की यात्रा में निकलती हैं। भगवान को सब प्रणाम करके निकल रहे हैं, अंत में हनुमान जी ने सबसे अंत में प्रणाम किया, भगवान को लगा कि कार्य हनुमान से ही होगा, तो एकदम हनुमान जी के सर पर हाथ रखा और मुद्रिका हनुमान को दी, कहा कि जानकी मिले तो मेरे बल और विरह की कथा सुनाना। हनुमान जी भगवान के इशारे को समझ गए, मुद्रिका मुख में ले ली है राम नाम अंकित मुद्रिका, और भगवान के चरणों में वंदन करके एक टुकड़ी निकल पड़ी है भगवान के कार्य के लिए। तो गिरा कंदराओं में, गुहाओं में, हर जगह पर तलाश कर रहे हैं, तो कहीं सीता जी की समाचार नहीं मिला, कहीं जानकारी नहीं मिली, तो सब तुरषित हुए। एक गुफा में हनुमान जी सबको ले जाते हैं, स्वयं प्रभा नामक एक महिला उसको मिलती है, उसने सही रास्ता बताया कि आंखें बंद करके राम का सिमरन करो तो तुम सीता के पास पहुंच जाओगे। भक्ति को पाने के लिए अंतर्मुख होना जरूरी है, बहिर्मुखता से भक्ति नहीं मिलेगी। सब लोगों ने आंखें बंद करके भगवान का सुमरण किया, तो जब आंखें खोली तो सब समुद्र के तट पर पहुँच गए। अब सब मुश्किल में कि अब क्या करें, अब तो पानी भी मीठा नहीं, यहाँ तो नमकीन पानी है, और अवधि पूरी होने वाली, अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए। अंगद बहुत नाराज हो गया, जामवंत उसको सावधान कर रहे हैं। इतने में संपाति नाम का एक गीत जो जटायु का भाई लगता है वो आया और कहने लगा आज देवताओं ने मुझे खुराक दिया। अंगद ने कहा हमसे जटायु अच्छा कि भगवान के कार्य में अपने आप को समर्पित कर चुका। जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने अभय वरदान दे दिया, अब मैं मारूंगा नहीं। जटायु की कथा सुनी, खुद ने दोनों भाई की कथा सुनाई कि हम सूरज को पकड़ने के लिए युवानी में मैं और जटायु दोनों गए थे, मेरा भाई सूर्य की गर्मी सहन न कर पाया इसलिए लौटा, मैं अभिमान में ऊपर ऊपर गया तो मेरी पंख सूरज किरण से जल गई और मैं गिरा, मेरा इतना सद्भाग्य कि चंद्रमा नामक महात्मा ने मुझे गोद में ले लिया। ये दो भाई बड़े भाग्यवान हैं, एक को भगवंत ने गोद में लिया और एक को संत ने गोद में लिया, और चंद्रमा महात्मा ने मुझे कहा था कि राम के भक्त सीता की शोध के लिए यहाँ आए और वो तुम्हें मिले तो उसको सीता बता देना, मेरी आंखें हैं पांखें नहीं हैं,
इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, 400 मील का सागर लांग कर जो जाएगा वो जानकी जी को पा सकेगा। आपके दर्शन से मुझ में इतनी चेतना आ रही है, तो आप तो राम के दर्शन करके आए हैं, कायर मत होना, 400 मील का सागर लांग कर जो जाएगा वो जानकी जी का समाचार पा सकेगा। इतना कहकर संपाती चला गया। एक बात पक्की हो गई कि जानकी जी वहाँ है, जाए कौन। अंगद ने कहा मैं जाऊं लेकिन लौटने में तकलीफ है। जांबवंत ने कहा मैं बूढ़ा हो गया। किसी ने कहा हम 200 मील जाकर गिर जाए। किसी ने कहा पूरा जाए तो वापस आने में तकलीफ है। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बोले, लेकिन हनुमान जी बाबा एक चट्टान पर आंखें बंद करके राम के सुमिरन में लीन है, वो कुछ बोले नहीं। तो जांबवंत ने सबको कहा कि बिना हनुमंत ये काम होने वाला नहीं। सबको हनुमान जी के सामने ले आते हैं और हनुमान जी को ललकारते हैं, कहा कि बाबा आपके सिवा ये कौन काम करेगा। ऋषपति जांबवंत हनुमान जी को कहने लगे, आप जागिए महाराज, आपके बिना भगवत कार्य कौन करेगा। हनुमान जी आपका बल पवन की तरह है, आप बुद्धि बल के दाम हैं, आपसे क्या काम कठिन है महाराज, सब कुछ आप कर सकते हैं। फिर भी हनुमान जी जागे ना। लेकिन जब जांबवंत ने कहा कि तुम्हारा अवतार भगवत कार्य के लिए है, राम के लिए तुम्हारा जन्म, जब ये बात हनुमान जी ने सुनी और सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो गए, जिसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। राम काज लग तब अवतारा, सुनत भय पर्वताकारा। सुनत भय पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज गर्जना करके समुद्र के तट पर खड़े हुए, मानो एक बड़ा पहाड़ उठा हो, गर्जना करने लगे। मित्र लोग वामन दिखाई देने लगे, हनुमान जी के रोम रोम से किरणें फूटने लगी है, मानो अभी समुद्र को ग्रस लेंगे हनुमान जी महाराज, इतना दिव्य रूप धारण कर लिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिंग लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर सब गाइए जिसको हनुमान चालीसा आती हो। कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र अरु धजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को यात। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाव, विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे, लाई सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि उर, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, शास्त्र बदन तुम। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहात। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाई राज पद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय युग सहस्त्र योजन पर भानु। नीलो तागि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माग। जल धिलांग गए दुर्गम काज जगत के, जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते। ते राम सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना, वेना से रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जोड़ावे, सब पर राम।
और मनोरथ जो कोई लावे अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उज साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई हनुमंत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सत बार पाठ कर छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पठे हनुमान चालीसा होग सिद्ध साखी गौ तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे दास हृदय मगेरा कीजे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर राम चंद्र की रघुबीर राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हनुमान जी को कहा कि आपका जीवन राम कार्य के लिए है पर्वताकार देह हो गया और जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं बाबा, लेकिन इतनी ऊंचाई पाने के बाद भी विनम्रता कितनी। जामवंत को प्रणाम कर। जामवंत मैं पूछूं तो जामवंत मैं जामवंत मैं उचित सिखावन दीज मोगी यहाँ युवानों को तुलसीदास जी ने एक सूत्र दिया कि युवानों को ही भगवत कार्य करना होगा, लेकिन आवेश में आकर वृद्धों का अनादर नहीं करना है। वृद्धों और अनुभवियों को वंदन करके पूछना कि हमको उचित शिखावन दो, हमें क्या करना। जामवंत ने कहा बाबा और कुछ नहीं करना, वहाँ जाना, माँ को संदेश देना, माँ का संदेश ले लेना, लंका की व्यूह रचना देख लेना, तोड़फोड़ जरा भी नहीं करना। आप जब आएंगे तब राजीव नयन भगवान बंदर और भालू की सेना लेकर आप हम सब साथ चलेंगे और लंका ऊपर भगवान का विजय होगा। भगवान की विजय गाथा में हमारी कथा कही जाएगी, इसलिए आप केवल इतना ही करें कि जाएं संदेश दें संदेश ले आए, बाकी तोड़फोड़ नहीं करना है, बिल्कुल ना कहिए। कहा होता कि आपके मन में जो आए सो करके आना तो पूर्णा होती अभी 5 मिनट में हो जाती, लेकिन कहा कि और कुछ नहीं करना, बाद में भगवान सेना लेकर जाएंगे और रावण को मार कर आएंगे और भगवान की कथा में हमारी कथा गाएगी। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास बाद में ये कथा सुनेंगे गाएंगे वो सब परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। इतना कहकर गोस्वामी जी किष्किंधा कांड समाप्त कर देते हैं और अब सुंदर कांड।
शांतं शाश्वतं प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदा तव रामाख्यं जगदीश्व मायामनु संहरि वन्देहं करुणाकरं रघुवरं भूपालतु दामणि। भगवान की स्तुति की और दूसरे मंत्र में भक्ति की मांग करते हुए नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रवयं सकल गुण निधानं वानराणां भीषं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमान जी के चरणों में वंदन करके गोस्वामी जी सुंदर कांड का आरंभ करते हैं। सुंदर कांड बड़ा अद्भुत है हा? लेकिन संक्षेप में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत तुम भाई सही कंद मूल फल का जब लगिया सीत दे काज मोहि हर सबसे चले हर सिंह धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर चढ़ता बार बार रघुवीर संहारी करके पवन तनय बलवान जय गिरि चरण देगी हनुमंता चले सुधा पाताल तुरंत जल मोग रघुपति कै माना भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारी ना कहो जामवंत के बचन सुहाए जामवंत के बचन बहुत अच्छे लगे हनुमान जी को और हनुमान जी जाने की तैयारी में हनुमान जी जा रहे लंका में तो दो बात बताते जाते थे मित्र बताई कि देखो भाई एक काम तो ये करना कि यहाँ से वापस मत चले जाना मैं माता जी की शोध लेकर आऊं और मैं करके ही आऊंगा बात पूरी करके क्योंकि जाने समय मुझे हर्ष हो रहा है शकुन हो रहा है तो मैं आऊंगा जरूर थोड़ी देर होगी समय का कोई पक्का नहीं लेकिन मैं आऊंगा और मैं आऊं उसके बाद हम साथ चलें आप चले मत जाना यहाँ ही रहना। तो किसी ने पूछा कि हनुमंत बाबा यहाँ तो पानी की भी तकलीफ है मीठा पानी नहीं है ये तो नमकीन पानी है। बोले कुछ भी हो लेकिन यहाँ रहना क्यों ये हनुमान जी की संत वृत्ति है। मित्रों को हनुमान जी ये कहना चाहते हैं कि आप चले जाएं और बाद में मैं अकेला राम कार्य करके प्रभु के पास आऊं तो राम कार्य का यश मुझे अकेले को ही मिलेगा।
मैं चाहता हूँ मैं आऊँ और यहाँ से हम साथ चले तो राम कार्य का यश सब में बांट दिया जाए, सबको यश मिले, मैं अकेला यशवान न बन। और दूसरी बात ये कही कि यहाँ बैठकर फल फूल खाना, भूखे मत रहना कि हनुमंत आए तब तक हम कुछ नहीं लेंगे, ऐसा मत करना, फल फूल खाना क्योंकि मैं वहाँ शुरू करूँगा, इसलिए आप यहाँ भूखे मत रहे, सूचना दी। और तीसरी बात हम सबको सीखने जैसी, अस कही ना ही सबनी कहूँ माथा, सबको प्रणाम किया हनुमान जी। इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और कितने विनम्र हैं, सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद दिया, मैं जा रहा हूँ। सब मित्र लोग कह रहे हैं बाबा जल्दी आना, बोले चिंता मत करना मैं तुरंत आऊँगा। और सबको विदा लेकर सबसे सबको प्रणाम करके रघुवीर को याद करके समुद्र के तट पर एक पहाड़ था उस पर हनुमान जी चढ़ गए, और ऊपर जाने के बाद भी मित्रों को पुनः प्रणाम किया, वरना ऊंचाई पर जाने के बाद प्रणाम करना जरा कठिन लगता है, लेकिन वहां जाने के बाद भी प्रणाम किया। मित्र लोग कह रहे बाबा जल्दी आना जल्दी आना, हनुमान जी आश्वासित करते जा रहे हैं और सब मित्रों ने विदा देते हुए जय जयकार के हनुमान जी की यात्रा शुरू। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान के सारंग से जैसे अमोघ बाण निकल पड़े, ऐसे हनुमान जी की यात्रा का आरंभ हुआ है और समुद्र के ऊपर गति करने लगे। तो समुद्र में एक मैनाक नामक पहाड़ था सोने का, वो एकदम समुद्र के कहने पर बाहर आता है हनुमान जी को विश्राम देने के लिए। हनुमान जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि राम कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं, तुम आया है विश्राम देने के लिए, लेकिन मेरा विश्राम राम कार्य पूरा होने में है, अभी मैं विश्राम नहीं कर सकता। सोने से मुक्त हो गए हनुमान जी और जैसे आगे गए तो देवताओं ने सुरसा नामक एक सर्पिणी को भेजी जो हनुमान जी के रास्ते में आकर कहने लगी कि मुझे देवताओं ने खुराक दिया, मैं इस बंदर को खा लूँगी। हनुमान जी ने कहा आपको मुझे खाना है तो मैं राम कार्य कराऊं, माता जी का संदेश भगवान को दे दूं और उसके बाद मैं आपके मुंह में अपने आप चलाऊंगा, आप मुझे अभी छोड़े। सुरसा ने कहा नहीं, मैं तो भूखी हूँ अभी खा जाऊंगी। बार बार हनुमान जी ने कहा, फिर भी सुरसा मानी नहीं, तो हनुमान जी ने कहा चलो अच्छा खा लो। और हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने अपना मुँह एक योजन फैलाया, कपितन किन्हा दुगुन बिस्तारा, सुरह जो जन मुख ते ही ठहरू, तुरत पवन सुत बत्तीस भय, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस गुण कपि रूप दिखा, सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतनी, बदन पैठि पुनि बाहु जियावा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की। एक योजन मुंह फैलाया सुरसा ने हनुमान जी को ग्रसने के लिए, हनुमान जी दो योजन के हो गए, 16 योजन का मुंह फैलाया हनुमान जी, 32 योजन। जैसे जैसे सुरसा ने मुंह फैलाया हनुमान जी उसके सामने बड़े होते गए, सत जो जन मुंह फैलाया तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे बनकर उसके मुंह में चले गए और उस अंदर घूम कर बाहर निकले, कहा कि आपने मुझे खा लिया। हनुमान जी के बुद्धि कौशल्य को देखकर सुरसा प्रभावित हो गई, कहा कि देवताओं ने मुझे जिस कारण भेजा वो बुद्धि बल मर्म का सबका मर्म मुझे मिल गया, राम कार्य तुमसे होगा, तुम बल बुद्धि के निदान हो, आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और हनुमान जी। ये सब भगवान की भक्ति पाने के सब बाधक तत्व हैं जिसकी तात्विक चर्चा महात्माओं ने बहुत की है, हम समय भाव से आगे आगे जा रहे हैं। तो यहाँ से हनुमान जी आगे चले तो एक राक्षसी समुद्र में रहती थी, वो आकाश में उड़ते पंखी की छाया को तांत्रिक प्रयोग से पकड़ती थी और पंखी गिर जाता, ऐसे गगनचर को खा लेती थी। हनुमान जी से वही छल किया इस सिंह का ने, हनुमान जी की छाया को पकड़ा और तुरंत हनुमान जी पहचान गए, आकर एक मुष्टिका लगाकर इस राक्षसी को मार दी। और तुलसीदास जी के दर्शन में ये विघ्न है वो ईर्ष्या है, ऊपर उड़े हुए को गिराना इसका मतलब है, कोई हमसे ऊपर उठता है तो ईर्ष्या उसको गिराने की कोशिश करती है, छाया पकड़ती है, खुद को तो नहीं पकड़ सकती तो परिछाएँ पकड़ती हैं, छाया काली होती है, ईर्ष्यालु लोग काली बात पकड़ते हैं, उज्जवल बात नहीं पकड़ते, लेकिन ये तो हनुमान जी हैं, उसने ईर्ष्या को मिटा दी और समुद्र लांघकर
समुद्र के किनारे पर एक शिखर पर बैठकर उसने लंका देखी, सोने का किला, कई रक्षक चौकी कर रहे हैं, वन बाग उपवन लगे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, शराब पिया जा रहा है, मांस भक्षण हो रहा है और नगर को कड़ा बंदोबस्त, कड़ा रक्षा, कड़ी रक्षा देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि इतने रक्षक लंका की चौकी कर रहे हैं, रात्रि होने के समय छोटा सा रूप लेकर मैं भीतर प्रवेश करूँ। तो जब संध्या हुई, अंधेरा हुआ, उस वक्त हनुमान जी बिल्कुल छोटा सा रूप लेकर लंका में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका वर्णन करते हुए गोस्वामी ने लिखा है, मशक समान रूप कपिधरी, एकदम छोटे बनकर जा रहे हैं। तो लंकिनी नामक राक्षसी उसको रोकती हैं, उसने कहा कि मैं लंका के चोर को ही खाती हूँ। तो हनुमान जी ने उसको मुष्टिका का प्रहार करके उसकी बुद्धि को अभेदी बना दी, और जब बुद्धि अभेदी हुई तो हनुमान जी में चोर की जगह संत के दर्शन होने लगे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दू, प्रभिषि नगर की जय, सब का जा हृदय राखी कौशल, गरल सुधारी पुकार मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाय, गरुड़ सुमेरु रेणु समतागी, राम मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जाता हूँ अगणित दैव दशानन मंदिर माही, चित्र कही जात सुना, शयन किए देखा कपितेगी, मंदिर महु नदी कपै दे, भवन ये कपुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना, भवन ये कपुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। छोटा सा रूप लेकर आप प्रवेश करें, भगवान को हृदय में रखकर लंकिनी ने आशीर्वाद दे दिया, आप सब विघ्न टल जाएंगे, मेरा सद्भाग्य कि आज मुझे संत के दर्शन हुए, सत्संग की महिमा का दान किया। हनुमान जी भगवान को हृदय में रख करके लंका में प्रवेश करते हैं। हर एक मंदिर में तलाशी की, रावण ने जो मकान बनाए थे वो सब मंदिर जैसे बाहर से दिखाई देते थे, लेकिन भीतर भक्ति नहीं, भीतर भोग था। हनुमान जी मंदिर समझकर जाते थे कि यहाँ तो सीता जी हो सकती हैं, लेकिन भीतर जाए तो भोग थे, कहीं भी भीतर जानकी जी नहीं दिख पाए। रावण के महल में गए तो वहाँ भी नहीं, और एक भवन हनुमान जी ने देखा जहाँ मंदिर भी भिन्न और भवन भी भिन्न। तुलसी के वृंद लगे हैं आंगन में, रामायुध लगाए हुए हैं, और हनुमान जी को लगा कि ये कोई वैष्णव का घर लगता है, लंका में वैष्णव कहाँ से, ऐसा वो सोचने गए। लंका निशिचर तरक करे कपिला गाते ही, समय विभीषण जा, राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सज्जन चीना, सन हटि कर भाव पहचानी, हुई न कार जहां, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन। इस मकान को देखकर हनुमान जी को लगा कि यहाँ सज्जन कहाँ से आया, मैं जाऊँ इससे दोस्ती करूँ। और हनुमान जी विभीषण के आंगन में गए, और इतने में विभीषण जाग जाते हैं, जागते ही राम राम बोलते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि विभीषण सोया था, हनुमान जी आए और वो जागे। जब संत हमारे जीवन में आता है तभी हमारी जागृति होती है, तब तक सब लोग सोए। तो हनुमान जी के आने पर वो जागा, और जागते ही राम राम बोलने लगा। हनुमान जी को तो बड़ा आनंद हुआ कि ये तो राम भक्त निकला, इससे तो कैसे भी मैं दोस्ती बनाऊं, क्योंकि साधु से दोस्ती करने से हानि नहीं होती। विभीषण बाहर आता है, हनुमान जी का दर्शन करके दौड़कर पूछता है, आप कौन हैं, भगवान ने ही आपको भेजा लगता है। बाद में हनुमान जी अपना परिचय दे देते हैं, राम कथा सुनाते हैं, और दोनों वैष्णव मिलते हैं। बहुत आनंद हुआ। विभीषण ने भगवान हनुमान जी को कहा कि मुझे यकीन था कि कभी तो ठाकुर मुझ पर कृपा करेंगे। हनुमान जी ने विभीषण को एक प्रश्न पूछा कि भाई इस लंका में तू कैसे रह रहा है, यहाँ धर्म कैसे निभे,
इतने राक्षस रहते हैं, भोगवादी लोग, यहाँ धर्म का निर्वाह करना कठिन है, तुम कैसे रह सकते हो यहाँ? तो विभीषण ने कहा, बाबा मैं कैसे रहता हूँ मेरा मन जानता है। सुनहु पवन सुत अब मोहि भावरोस हनुमंता, अब मोहि भावरोस हनुमंता। मैं कैसे रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच जीव रहती है वैसे मैं यहाँ रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, बहुत भाग्यवान हो, ऐसा रहना तो बड़े भागी को ही मिलता है। विभीषण कहने लगा कि महाराज मैं दुख गा रहा हूँ और आप मुझे आश्वासन के बदले, वो कह रहे दांतों के बीच जीव रहे वो अच्छा, बोले आप बहुत अच्छा। तो विभीषण ने पूछा कैसे, बोले सुनो पहले दांत गिरते हैं या जीभ गिरती है? बोले दांत ही गिरते हैं, जीभ कभी गिरती है तो नहीं। तो बस तेरे चारों ओर दांत की जैसे जो अक्कड़ राक्षस है वो भगवान के हाथों गिर जाएंगे और तुम जीव जैसा कायम चिरंजीवी हो जाएगा। दांत गिरते हैं, जीभ नहीं गिरते, क्योंकि दांत अक्कड़ है, जीभ नरम है। दुनिया में जो अक्कड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, सरल होते हैं वो शाश्वत हो जाते। दांत काटने का काम करता है, जीभ मिलाने का काम करता है। संसार में जो विभाजक प्रवृत्ति करेगा वो टूट जाएगा, जो समन्वय की प्रवृत्ति करेगा वो शाश्वत हो जाएगा। इसलिए दांत को तोड़ना है, काटना है, लेकिन स्वाद जीभ को मिलता है। खुराक को काटेगा दांत, श्रम वो करेगा और स्वाद लेती है जीभ। तो जीभ शाश्वत है, दांत गिर जाएंगे क्योंकि अक्कड़ है। दांत गिरते हैं, जीभ कभी गिरते हैं। और बात भी, दांत 32 हैं, जीभ 1 है। दुर्जन ज्यादा होते हैं समाज में, सज्जन तो कोई कोई होते हैं, लेकिन सज्जन को दांतों के बीच ही रहना पड़ता है, दुर्जनों के बीच में ही रहना पड़ता है। और दुर्जन सज्जन को दबाते ही रहते, दांत रोज जीभ को दबाएं कि जरा भी इधर उधर हुई तो काट देंगे, 32 खड़े हैं, हर रोज दबाते रहते थे जीभ को। लेकिन जीभ ने सोचा कि हम मर्यादा नहीं छोड़ सकते। एक दिन दांत ने बहुत दबाया जीभ को कि जरा भी इधर उधर मत होना, तो जीभ ने कहा कि देखो मैं उधर इधर उधर नहीं होती, इसलिए आप सलामत हैं, मैं इधर उधर हो जाऊंगी तो आप तुरंत निकल जाऊंगी। बोले कैसे, कि मैं अकारण किसी को गालियां देने लगूंगी तो कोई ऐसी थपाट लगाए कि तुम 3200 बाहर निकल जाओ। मेरी कृपा के ऊपर ही आपका निर्भर रहना है, मेरी कृपा के ऊपर ही आप सलामत हैं। और बिल्कुल सही बात है ना, जीव गालियां देने लगे तो कोई ऐसा तमाशा मारे, लगा दे तमाशा तो तुरंत निकल जाएंगे 32। और खातरी ना हो तो करो प्रयोग, लेकिन आज नहीं, कल हम श्रीरामपुर छोड़ दे, उसके बाद जो करना आज नहीं, 3200 बाहर निकल जाते, कुदरती हो वो भी निकल जाते, तो नकली को तो कितनी था, तो इशारे में निकल जाते। कहने का मतलब, सज्जन को दांत दुर्जन सजाते हैं, सताते हैं, लेकिन सज्जन अपनी नीति नहीं छोड़ते। तो ये दुखद घटना सुखद लगने लगी, संत ने दृष्टि घुमा दी। अब विभीषण ने कहा, मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी, वरना आप जैसे संत नहीं मिलते। अब विभीषण को एक पते की बात हनुमान जी ने कही कि तेरे जैसे आदमी पर भगवान कभी कृपा नहीं करते। विभीषण बोले, बाबा हाँ, विभीषण तो राम राम रटता है लेकिन राम का काम बिल्कुल नहीं करता। जिस राम के नाम की माला फेरता है वही राम की जानकी को तेरा भाई चुरा कर ले आया, तूने कभी कहा कि ये अन्याय है? राम राम रटना और राम की संस्कृति के लिए चुप हो जाना, ऐसे लोग पर राम कृपा नहीं करते। विभीषण ने शपथ कर ली कि अब मैं राम का काम करूंगा तो कृपा करेंगे। बोले विभीषण, बाद में तो कभी कृपा नहीं करेंगे, तो काम करोगे ना तो भगवान तुमसे प्रीत करेंगे। और कृपा तो सामान्य है, प्रीत बढ़िया बात है। भगवान की पद्धति यह है, मैं उसको ठीक जानता हूँ, परमात्मा की रीत प्रीत करने की है। विभीषण
परमात्मा की पद्धति है प्रेम करने की। भगवान सेवक पर प्रीत करते हैं। मेरे सामने देखिए मैं कहाँ का कुलीन, कैसा हूँ, कपि चंचल सब विधिहीन। हमारा नाम कोई ले लेगा तो ऐसा होगा। अपने आप को कितना निम्न बताते जा रहे हैं। संत का स्वभाव है। विभीषण को पूरा यकीन हो गया है। अब हनुमान जी ने विभीषण को पूछा है, जानकी मैया कहाँ मुझे बता, सब युक्ति बता दी। अभी भी विभीषण की पूर्ण जागृति नहीं हुई, वरना वो हनुमान जी के साथ जाता दिखाने के लिए, लेकिन वो गया नहीं, युक्ति बता दी। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे हैं। बहुत सुंदर बाग हैं, हर किस्म के फूल छोड़ हैं, फल पुष्कल हैं अशोक वाटिका में, लेकिन खाने वाले कोई नहीं, क्योंकि गांव फलाहारी नहीं था, मांसाहारी था, पूरा नगर मांस खाता था, इसलिए फल वैसे ही रह जाते थे। हनुमान जी एक एक वृक्ष के नीचे सीता जी की तलाश कर रहे थे। इतने में हनुमान जी ने एक वृक्ष के नीचे देखा तो बिल्कुल कृश शरीर, बाल जटा की तरह बंध गए हैं, अपने नेत्र चरणों की रेखाओं पर लगाए कर भगवान के चरण रेखाओं का ध्यान कर रही हैं। जिस रूप में ठाकुर मृग को मारने के लिए दौड़े थे, बस वही छवि अपने ध्यान का वो बनाकर बैठी हैं। सीता जी सोचती हैं अभी जा ही रहे हैं मृग को मारने के, जा ही रहे हैं, जैसे लौटेंगे ना तो तुरंत मुझे लेने को आएंगे, इसलिए यही रूप को ध्यान में रख। वरना तो जानकी ने कई रूप देखे, बाघ में वो सांवरा रूप देखा, दुल्हे रूप को देखा, बाद में घर आए तो युवराज रूप को देखा, वनवासी रूप को देखा, कई रूप देखें, लेकिन इन कोई रूप को अपने ध्यान का केंद्र नहीं बनाया। जो मृग के पीछे रूप गया था, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम, वो रूप को रखा, क्योंकि आश्वासन मिलता था उसके कि मेरे प्रभु अभी वापस कहाँ आए कुटिया पर, वो आएंगे तो तुरंत मुझे लेने आएंगे, अभी तो वो मारीच के पीछे जा रहे हैं। बस यही कपट कुरंग के पीछे भगवान जा रहे, यही को अपने ध्यान का माध्यम बनाया। तो सीता जी को देखकर हनुमान जी को लगा कि बस यही मेरी माँ हो सकती हैं। हनुमान जी वृक्ष की छाया घटा में छिप गए, सोचने लगे मुद्रिका डारूं, खुद प्रकट हो जाऊं, राम कथा करूं, सोचने लगे कि क्या करूं। थोड़ी देर लगा दी हनुमान जी ने जानकी जी के सामने रुजू होने में, इतने में वहां रावण आ गया। ऐसा बाबा जी लिखता है कि रावण सुन कह, रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरिया दी सब राम तव अंतर। उसी वक्त रावण का आगमन हुआ, ऐसा लिखा। मंदोदरी आदि रानियों को लेकर आया है। हनुमान जी ने देखा कि जो शयन कर रहा था वो आया है, तो हनुमान जी को लगा जरा देखे क्या करता है। आते ही सीता को समझाने के लिए सब तरीके के उपयोग, वो सब तरीका आजमाने लगा। जानकी को कहने लगा, हे सुंदर मुख वाली सीता, एक बार मेरे सामने देखो तो ये मंदोदर आदि रानियों की तेरी दासी बना दो। कई अर्थ महात्मा लोग लगाते। सीता जी ने एक तिनका लिया और रावण को दिखाया, यानी तुम कितना ही प्रलोभन दिखाओ, मेरी दृष्टि में तेरी कीमत तिनके की बराबर है। अथवा तो सीता जी ये कहने जा रही हैं कि मेरी दृष्टि पाना हो तो तिनके की तरह इस सब भोग को छोड़ दो। हाथ में एक वस्तु है तो उसी हाथ में दूसरी वस्तु पकड़ना कठिन है, इसी हाथ से वस्तु छोड़ो तो दूसरी पकड़ में आएगी। भोग हाथ से छूटेगा तो भक्ति की दृष्टि पा सकोगे, तिनका बताकर। ये अथवा तो तुम मुझे मार दोगे तो मुझे मेरे प्राण ठाकुर के विरह में तिनके की तरह विप्रिय नहीं। तो कहा भगवान को याद करके कि कमल को विकसित करने के लिए सूर्योदय जरूरी है, तेरे जैसे आगे से जुगनू से कभी कमल नहीं विकसित होते। राम को सूरज की तरह और अपने को इतना छोटा बताए खद्योत की तरह। तो तुरंत रावण ने तलवार खींच ली और जानकी को मारने दौड़ा। उसी वक्त हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वो डाली कांपने लगी कि यदि एक कदम आगे बढ़े और मेरी माँ को मारने की कोशिश करे तो भले ही जामवंत ने मना की लेकिन मैं शुरू कर दूं।
हनुमान जी की भ्रकुटी घूमने लगी, रोष आने लगा। और यहाँ रावण जब सीता जी को मारने गया, जानकी जी ने तलवार को भी प्रार्थना की कि मैं भी नारी जाति, तू भी नारी जाति, नारी नारी को मदद करती हैं, तो जल्दी मेरी गर्दन पर गिर जाओ और मुझे दुख से मुक्त कर दो, ऐसे प्रार्थना करती हैं। तो यहाँ मंदोदरी ने कह दिया कि पतिदेव क्षमा करें, नारी को हत्या नहीं करनी चाहिए, तलवार म्यान कर दो। मैं कहती हूँ तलवार ले लो वापस। और जैसे मंदोदरी ने कहा तो रावण ने तलवार वापस ले ली और म्यान कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रावण भी कहीं मानता था। मंदोदरी ने कहा तो उसने तुरंत हाँ कह दी। तो उस काल में भी पत्नी का कहा माना जाता था, आज चिल्लाओ मत, क्योंकि पत्नी की कही रावण ने भी मानी। मंदोदरी ने रावण को ऐसे कटु वाक्य किया कहा है, जिन जिन लोगों ने रावण को कटु वाक्य कहा सबको सभा से निकाल दिया, माल्यवंत प्रहस्त विभीषण को चरण प्रहार कर दिया है? लेकिन मंदोदरी इतना कटु वाक्य कहती है फिर भी उसके पास कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि नारी भी बस नर सकल। रावण भी नारी के अधीन था, नारी अद्भुत शक्ति है, उससे अधीन बड़े बड़े हो जाते हैं, और कलयुग में तो बिल्कुल साबित हो चुका है। एक भाई ऑफिस से घर आया तो बहुत काम करके आया था, तो बहुत थक गया था, तो उसकी माताजी ने, बूढ़ी माँ थी, उसने उसको खिचड़ी भाखरी या कढ़ी ऐसा कुछ परोसा, तो छाछ कम रही होगी दही वगैरह, तो कढ़ी जरा पतली थी, तो एक तो रोष था, बहुत थका हुआ था, तो अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, ऐसी कढ़ी बनाई तुमने, देखो बिल्कुल पानी जैसी, कितने घंटे तक हम काम करके आते हैं, एक व्यक्ति की थाली तो ठीक से परोसा करो, मुझ में शक्ति कैसे रहेंगी, कैसे काम कर सकूंगा, कैसे सबका गुजारा होगा, जरा इतना तो सोचो, आपको कुछ करना तो नहीं, रसोई तो ठीक बनाओ, माँ पर चिल्लाने लगा, ऐसी कढ़ी हो। एक कढ़ी में आप समझते हैं ना भाई, हाँ तो ठीक, वरना ये कढ़ी कढ़ी में बोलता जाऊंगा। महाराष्ट्र में कढ़ी होती है, हाँ तो चला राधे राधे, क्योंकि पक्का कर लूं कि ऊपर से जा रहा है या भीतर उतर रहा है, क्या हो रहा है। राधे राधे। तो बहुत चिल्लाया माँ के ऊपर, ऐसी कढ़ी बनाई, ऐसी बनाई, तो माँ बड़ी चतुर धीरे से कहा, बेटा चिल्लाओ मत, मैंने नहीं बनाई, तो तेरी पत्नी ने बनाई, भले ही पतली हो, कितनी स्वादिष्ट है, क्या बनाया है, क्या बनाया, पूरे मसाले घूम गए, फिर गए सब, सब बातें पलट गई, नारी भी बस नर। ए जी नारी भी बस नर सकल गुसाई, नाच नट मर कट की नाई। तो रावण भी कहीं मानता था, बस पत्नी ने बनाई तो सब बात बदल गई, माँ ने बनाई हो तो तकलीफ। हाँ रावण ने एक मास की मुद्दत डाली, सीता एक मास में मेरी कही नहीं मानोगी तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। राक्षसियों को कहा कि सीता को बहुत त्रास दो ताकि मेरी बात मान ले। रावण चला गया भवन, यहां पिशाचिनी वृंद, सब पिशाचिनी एकत्रित होकर मंद रूप धारण करके सीता जी को डराने लगी। उसमें त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी, वो अन्य राक्षसियों को कहने लगी कि भले रावण ने कहा तुम सीता को मत डराओ, बोले क्यों, बोले मुझे एक सपना आया। राक्षसी सब पूछने लगी क्या आया, बोले सपने में एक बानर हमारी लंका में आया और इस बंदर ने पूरी लंका को जला दी। हनुमान जी सुन रहे कि कमाल है, मैं आया और उसको सपना आया, भगवान करे उसका सपना सच निकले, लंका जलाने का फैसला यहाँ से कर लिया हनुमान जी। सब घबरा गई राक्षस और चली गई। त्रिजटा से हनुमान जी सीता जी कहने लगी तुम मेरी विपत्ति की संगीनी है, मुझे अग्नि ला दो, मैं जल जाना चाहती हूँ। त्रिजटा ने कहा लंका में अग्नि मिलना कठिन है, ये तो लंका है। बस हिम्मत देकर वो चली गई। हनुमान जी ने ऊपर बैठ बैठ सुना कि लंका में अग्नि की तकलीफ है,
तो चलो मैं कल इतनी सुविधा कर दूं कि हर घर में अग्नि हो जाए। आया हूं तो उनको जितनी सुविधा दे सकूं दे दूं। जलाने का फैसला, यहां त्रिजटा चली गई आकाश के सितारों के और अशोक वृक्ष के नव अंकुरों को। जानकी जी कहने लगी, तुम अग्नि की तरह चमक रहे हो, मुझे जला दो। जानकी जी जब जलने की बात करने लगी तब हनुमान जी को एक क्षण कल्प के समान बीता, क्योंकि भक्ति जल जाएगी तो ये दुनिया का क्या होगा। और भक्ति ने जलने का क्यों सोचा, क्योंकि हनुमान जी समझ गए कि मैं जब आया तब माँ राम राम रट रही थी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, लेकिन रावण बीच में आ गया तो राम नाम भूल गई। और जब इंसान राम नाम भूलता है तभी जलने की बात करता है। राम नाम में तो मिलने का होता है, जलने का नहीं होता, मिलना होता है। इसलिए माँ भूल गई है, इसलिए जल ला में मुद्रिका डालूं और मुद्रिका में राम नाम लिखा है, वो मेरी माँ पढ़ लें तो भूला हुआ राम नाम की माला पुनः शुरू हो जाए और वो जलने की बात छोड़ दे। इसलिए उसी वक्त राम नाम की मुद्री गिरा दी। जानकी जी तो अशोक वृक्ष के अंकुर मांग रही थी, सितारे को मांग, तो हाथ तो फैलाई ही थी, तो गिरी मुद्रिका और हाथ में मुद्रिका आते ही जानकी जी पहचान गई कि ये मेरी मुद्रिका है। कौन लाया? भगवान को कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्री बन नहीं पाती, ये कौन लाया होगा? जब जानकी जी सोचने लगी, विचार करने लगी, उसी वक्त हनुमान जी को अवसर मिल गया और हनुमंत बाबा ऊपर बैठे बैठे सुंदर कथा कहने लगे। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत गी सीता कर दुख भागा, सुनत गी सीता कर दुख भागा, हनुमान जी रामचंद्र की दिव्य कथा कहने लगे और सुनते सुनते जानकी जी के दुख भागने लगे। इतनी सुंदर कथा हनुमान जी कह रहे। हम अक्सर कहते हैं हनुमान जी ऊपर बैठे थे वृक्ष पर और वहाँ से कथा कह रहे थे और माता जी नीचे बैठ बैठ सुन रही थी। तब से ये नियम हो गया कि जो कथा कहे उसको ऊपर बिठाओ और सुने वो नीचे बैठ जाए, और कोई कारण नहीं, छोटे बड़े का सवाल नहीं, लेकिन ये मात हनुमान जी ने नियम निकाला है तो सब लोग निभा रहे हैं। इतनी मधुर कथा कही बाबा, हनुमान जी तो कितने गायक हैं अच्छे राम कथा के, क्या बताएं। जानकी जी के दुख भूलने लगी माँ, भागने लगे, लेकिन रहा नहीं गया माता जी से। इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला तू कौन है, प्रकट हो जा, मेरे सामने आओ। जब जानकी जी ने कहा उसी वक्त हनुमान जी प्रकट हो गए और प्रकट होते हनुमान को देखते ही माता जी मुंह मोड़ देती है। उसको लगा कि कोई राक्षस लगता है, बंदर का वेश लेकर आया और मुंह मुड़कर बैठ गई। वैसे हनुमान जी का अपमान हुआ, पहले बुलाया और मुंह मुड़ लिया, लेकिन हनुमान जी ने अच्छा अर्थ निकाला, कहा कि माँ तुमने मुंह फेर लिया, अच्छा हुआ, क्योंकि कथाकार का मुख देखने जैसा नहीं, उसकी कथा ही सुनने जैसी है। माँ वक्ता को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। कितना सावधानी के साथ सूत्र दे दिया और अब अपना परिचय देने लगे कि हे माँ, राम दूत मैं माँ तू जानती, सत्य सपथ करुणा निधान के, यह मुद्रिका मा तुम्हें आनी, यह मुद्रिका मा तुम्हें आनी, दीन राम तुम कहो सगदान, नर बानर ही संग कहो कैसे,
कही कथा भई संगति जैसे, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूँ माँ, मुझे करुणा निधान की शपथ, जब शपथ खाई तब माँ को भरोसा हुआ, ये सईदा अम्मा भगवान ने मुझे मुद्रिका दी है, मैं लाया हूँ संदेश के रूप में निशानी। माँ को यकीन हुआ, मन वचन कर्म से रघुवीर का ये दास है ऐसा पता लगा, सब कथा हनुमान जी ने सुना दी। नर और बानर की संगति जब हुई, भेंट हुई, तब तक की कथा सुनाई। हनुमान जी कथा तो कहते हैं, लेकिन हनुमान जी और राम मिले तब तक की राम कथा कहते हैं, उसके बाद कथा नहीं कहते, क्योंकि हनुमान जी समझते हैं कि उसके बाद राम की कथा नहीं होती, उसके बाद मेरी कथा शुरू होती है, और मेरी कथा तो भगवान का है, मैं कैसे कहूँ। इसलिए वो खुद कही कथा भई संगति जैसे, जहाँ तक वो दोनों मिले वहाँ तक कथा कहकर रोकती। चरणों में गिरे हैं, अब माता जी पूछ रही हैं भगवान के बारे में, भगवान का विरह सुनाया, बहुत बातें बताई, माँ को पूरा यकीन हुआ। अब हनुमान जी कहने लगे, माँ रोना मत, मुझे भगवान ने कहा नहीं, वरना मैं अभी पूरी लंका को उखाड़ डालता और सब को मार कर तुम्हें अभी ले जाता, लेकिन प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, क्या करूँ। तो सीता जी को संदेह हो गया, पूछा कि जरा ज़्यादा बोल रहा है। कहा, हनुमान भगवान ने रीछ भालू बंदरों को एकत्रित किया, वो तेरे समान हैं या कुछ बड़े हैं, यहाँ तो कितने बड़े भयंकर राक्षस हैं। हनुमान जी को लगा कि माँ को पता नहीं मैं क्या हूँ, अपने पैरों को अशोक वाटिका में दबा कर जय श्री राम करके उसने अपना इतना रूप बढ़ाया, कनक भूधराकार शरीरा, सुवर्ण का मानो पहाड़ खड़ा हो गया हो, इतना दिव्य रूप लिया और गर्जना करने लगे। जानकी जी आंखें बंद कर गई कि बस पता लग गया, जैसा था वैसा हो जा। घबरा गई माँ, क्योंकि चित्र लिखित कपि देखी डराती, जो बहुत स्वभाव वो था उसका कोमल। हनुमान जी पुनः छोटे हो गए, कहने लगे, माँ मैं बड़ा नहीं हुआ, तेरे दर्शन जो करते हैं वो अपने आप बड़े बन जाते हैं। और अब माँ हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगी, अजर अमर गुण निधि होगा, भगवान तुझ पर बहुत कृपा करेंगे, प्रेम करेंगे, भगवान कृपा और प्रेम की वर्षा करेंगे। ये बात सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, निर्भर प्रेम में डूब गए। अब हनुमान जी माँ को कहने लगे, माँ मुझे भूख लगी है। सीता जी ने पूछा कि भाई भूख लगी, तो रास्ते में कई लोग मिले तुम्हें, बाग बगीचे भी रास्ते में आए होंगे, वहाँ कहीं नहीं खाया और यहाँ खाने के बाद? बोले, रास्ते में जितने मिले वो सब खुद भूखे थे, सुरसा खाने दौड़ी, संपाती खाने दौड़ा, सिंह खाने का खा लूँ, लंकिनी भी खाने की बात, संसार में जितने मिलते हैं सब भूखे हैं, किसी को पैसे की भूख, किसी को पुत्र की भूख, किसी को भोगों की, माँ जो खुद भूखे होते हैं वो हमें कैसे तृप्त कर, तुम्हारे बिना साधक को कौन तृप्ति दे सकता है, तुम मुझे खिलाओ। और बिल्कुल सही बात है, संसार के किसी पदार्थ से किसी को तृप्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि संसार के पदार्थ में ऐसी क्षमता नहीं कि हमको तृप्त, बिना भगवत भक्ति, बिना हरिचरण की प्रीत तृप्ति नहीं हो सकती। तो माँ जब खिलाएगी तभी तृप्ति हो सकती है, तो आप मुझे फल खाने की आज्ञा दें। तो सीता जी ने कहा, यहाँ बहुत राक्षस चौकी कर रहे हैं। बोले, उसका मुझे भय नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ ना होती हो तो मुझे कहो, मैं खा लूँ और तेरे लिए ले आऊँ। सीता जी ने कहा, रघुवीर को हृदय में रखकर मधुर फल खाना, क्योंकि ये तो रावण का बाग है, यहाँ बड़े नशे वाले फल भी हैं, इसलिए चुन चुन कर मधुर फल खाना। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, माता जी ने कहा, संत लोग कहते हैं कि ऊपर से तोड़ना मत, नीचे गिरे हुए को खाना। हनुमान जी ने कहा, चलो ठीक है। तो माँ को प्रणाम करके बाग में घूमने लगे, ऊपर बहुत, नीचे एक भी नहीं, और माँ ने कहा नीचे का खाना। हनुमान जी सोचने लगे, क्या करूँ, तो एक वृक्ष मूल से उखाड़ा और दोनों हाथ में मूल से वृक्ष को लेकर जमीन पर गिराया, और फल टूट जाता गिरते और जमीन पर गिरते फल को लेकर खाने लगते और कहते, माँ मैं तेरी आज्ञा के मुताबिक बर्ताव कर रहा हूँ, क्योंकि फल तोड़ने की मना की, वृक्ष तोड़ने को कहाँ कहा है। दूसरा वृक्ष उखाड़ा, तीसरा उखाड़ा, जितने वृक्ष सीता जी के दर्शन में बीच में आते थे इन सब को तोड़ने लगे, जो भक्ति में बाधक बने इन सब को तोड़ो, ऐसे तोड़ने लगे। और इतने वृक्ष तोड़े जहाँ ब्रह्मा जी से एक पत्ता नहीं तोड़ा जाता था,
ऐसे बाग में हनुमान जी सब वृक्ष तोड़ने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि मैंने इतने वृक्ष तोड़ दिए तो भी ये राक्षस लोग चौकी कर रहे हैं अशोक वाटिका का, ये लोग आते क्यों नहीं मेरे पास, ये चौकी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन हुआ था ऐसा कि सब शराब पीकर बैठे थे, और जो शराब पीकर बैठते हैं वो तो उसको तो पता ही नहीं रहता फर्ज का, जो पीते हैं उसको तो भान ही नहीं रहता। क्या अनुभव है तुम्हारा लोग बहुत पीते हैं नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ एक दिन बचा है तुम्हारे व्यसन छोड़कर हमको दे दो, हम उसको महुआ के दरिया में डाल देंगे। बस आप व्यसन छोड़ दो, व्यसनों से समाज बर्बाद होता जा रहा है, और व्यसन वाले कितने मूढ़ता में डूबे जाते हैं। भगवत भक्ति का नशा करो, दम जो हमने लगाया तो हमें दूर की सूझी, दम जो मुल्ला ने लगाया तो उसे हूर की सूझी, दम भूखे ने लगाया तो उसे तंदूर की सूझी, दम मदारी ने लगाया तो उसे लंगूर की सूझी, कहत सत्तार सच्चा दम उसने लगाया जिसको अपने नूर की सूझी। सच्चा नशा तो वो है जो अपने आप को पहचान पाए, भक्ति का नशा हो, इधर उधर का पीना मत पीना। तेरी सांसें गिनी हुई हैं, जरा सोच समझ कर जीना, इस प्यासे मन को पाने को हरि नाम का पीना पीना। क्योंकि तेरी सांसें गिनी हुई हैं, गिन गिन कर सांस लेकर आए हो, और इधर ऐसी तैसी वस्तु ये मत, व्यसन छोड़ दीजिएगा। भगवान आपके दिल में प्रेरणा करें तो व्यसन कम करो, कुछ कम करो। पीने वालों को पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर। एक आदमी पीकर बम्बई में ताजमहल होटल के पास गया, और एक टैक्सी वाला वाले को कहने लगा, टैक्सी साहब गेट वे ऑफ इंडिया ले लो। अब गेट वो तो सामने ही है, वहाँ ही गाड़ी रुकी हुई थी, लेकिन टैक्सी वाला समझ गया कि वो पी कर आया, तो कहा आ जाइए साहब। एक और का टैक्सी का दरवाज़ा खोल दिया, उसको बिठाया, बंद कर दिया, और ड्राइवर पीछे से दूसरी ओर गया, दरवाज़ा खोला, कहा साहब उतर जाइए, गेट वे आ गया, और वो नीचे उतरा, 10 की नोट ड्राइवर को देते हुए सलाह देने लगा, इतनी तेज मत चलाना। उसने कहा अभी स्टीयरिंग किसने पकड़ा है, लेकिन पी कर आया था तो ऐसे ही लूटता चला। नशा मुझ में है शराब में नहीं, यदि शराब में होता तो बोतलें क्यों ना उछलती, इसलिए नशा मत करना पोपटलाल, नशा मत कर। दो तीन दिन के बाद आया पोपट, राधे 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 राधे। प्रभु नाम का नशा बनाओ, कभी खुमारी उतरने वाली नहीं, ऐसा नशा रखो ध्रुव प्रहलाद जैसा, सुखदेव जैसा, मेहता नरसिंह जैसा, ऐसा नशा रखो। ये तो उतर जाता है कुछ समय के बाद। तो हनुमान जी ने एक वृक्ष को उठा करके ये नशेबाज राक्षसों के ऊपर डाला, और जैसे वृक्ष उसको पड़ा तो सब भान में आ गए, मारो मारो कहने लगे। हनुमान जी ने कहा इकड़े हमको ये कि आया इकड़े 9 दिन में, और कुछ आया नहीं, ऐसा चलो जो आया। सब लोग आए हनुमान जी के पास, और हनुमान जी ऐसा मारने लगे सबको, कभी ऐसा मार नहीं खाया था इन लोगों ने, ये पहला अनुभव था पैदा हुए तब से, इतना मारा, रोने लगे, चिल्लाने लगे और भागने लगे। हनुमान जी ने कहा कहाँ जा रहे हो, बचना हो तो एक काम करो, राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम
सीता। हनुमान जी ने कहा बचना हो तो राम नाम लो, और सब मौत के डर से राम नाम लेने लगे। सीता जी के कान पर राम धुन की आवाज सुनाई दी। जानकी जी सोचने लगी अशोक वाटिका में राम धुन किसने बिठाई, और हनुमान जी आंखें बंद करके कीर्तन करने लगे तो दो तीन छटक कर भागे। रावण के दरबार में जाकर कहा कि मालिक एक बंदर आया है, सबको मार रहा है, और हमारे दुश्मन राम का नाम कीर्तन के रूप में करवा रहा, कौन है ये पता नहीं, बानर के रूप में कोई सूर लगता है। रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को कहा कि अक्षय तुम जाओ पकड़ो उसको। अक्षय आया सेना लेकर। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को देखा और देखते ही एक वृक्ष उठाकर अक्षय को फेंका और अक्षय का अक्षय कर दिया। अक्षय की मृत्यु हुई और राक्षस भागे कि जहां अक्षय का अक्षय हो सकता है वहां हमारा क्या। और जैसे राक्षस भागने गए हनुमान जी रास्ते में खड़े हो गए, कहां जा रहे हो, बचना है तो। राम गाइए, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम 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 सीता राम। पुनः दो तीन हनुमान जी को भुला करके चले गए और रावण के दरबार में जाकर कहा हमसे बोला नहीं जाता। बोले क्या हुआ कि तुम्हारे बेटे को मार दिया, अक्षय का अक्षय कर दिया। बोले हाँ, और सब धुन ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं सब, हमारे दुश्मन का नाम। बोले क्या करें, बलात् लेना पड़ता है, वो देखता है तो अपने आप कीर्तन शुरू हो जाता। ओ इंद्रजीत के सामने रावण ने देखा मेघनाथ, हाँ तुम जाओ और उसको मारना मत, पकड़ करके मेरे सामने ले आओ, मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन है। चला इंद्रजीत, इंद्रजीत आया और बहुत कोशिश की। इंद्रजीत और हनुमान जी की बड़ी मुठभेड़ हुई है, बहुत लड़ाई। हनुमान जी को लगा कि ये मुझ जैसा है, उसके साथ ठीक रहेगा। इंद्रजीत माया करने लगा, हनुमान जी को जीत नहीं सकता है। बहुत बार उसने माया की तो हनुमान जी ने इंद्रजीत के ऊपर का गुस्सा और राक्षसों पर उतारा, दूसरों को बहुत मारा। दूसरे राक्षस कहने लगे हमको क्यों मारते हो, उसके साथ बात कीजिए ना, हमको तो आना पड़ता है, क्या करें, उसका खाना खाते हैं इसलिए। हनुमान जी ने कहा तो एक काम करो, मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन आप जोर से कीर्तन करो ताकि वो माया करके ऊपर चला गया ना, तुरंत प्रकट हो जाए। तो सब लोगों ने जोर से कीर्तन किया और इंद्रजीत प्रकट हो जाता और कहने लगा कीर्तन क्यों करते हो। बोले करते नहीं, कराया जा रहा है, हम वैसे नहीं करते। बाद में बहुत युद्ध होता है और हनुमान जी को बाण लगाकर इंद्रजीत गिरा देता है ब्रह्मास्त्र से। हनुमान जी जानबूझकर गिरे हैं, बाकी तो हनुमान जी को कौन गिरा सकते हैं। हनुमान जी गिर पड़े और इंद्रजीत का विजय हुआ। हनुमान जी को गिरते देख इंद्रजीत ने अपने राक्षसों को कहा कि जाओ पकड़ लो, लेकिन एक भी राक्षस आगे नहीं गया। इंद्रजीत ने कहा मैं कहता हूं पकड़ लो, राक्षसों ने कहा मालिक हुक्म देना आसान है लेकिन वो कब छलांग भर कर गला पकड़ ले कोई पता नहीं, हमको डर लगता है, आप दूसरा बाण मारकर उसको बंधन में डालो तब हम उसके पास जाए। इंद्रजीत ने दूसरा बाण लगाया और हनुमान जी को बंधन में डाल दिए। तब राक्षस को कुछ हिम्मत आई और धीरे से गए और हनुमान जी को धीरे से खड़े कर दें। हनुमान जी खड़े होकर आंखें खोलकर सबने सामने देखने लगे सबको, तो अपने आप कीर्तन शुरू हो गया राम राम। राम राम सीता राम, राम 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 राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम हनुमान जी को लेकर इंद्रजीत रावण के सामने रख देता है। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी तो हनुमान जी सराहने लगे कि वाह क्या वरदान पाए हैं शिव जी से, इतनी कड़ी सभा देखी उसने। और रावण के सामने आकर खड़े हनुमान जी को रावण पूछने लगा, तू कौन है, कहां से आया, फल फूल क्यों खाया, मेरे राक्षसों को क्यों मारा। हनुमान जी ने कहा, रावण मुझे भूख लगी इसलिए फल फूल खाए, और फल फूल तूने नहीं बनाए, मेरे परमात्मा ने बनाए, इसलिए तेरा जितना हक उतना मेरा हक। ठीक है, राक्षसों को क्यों मारा, तेरे कुमारगामी राक्षस मुझे मारने आए, जिन्होंने मुझे मारा उसको मैंने मारा, उस पर भी तेरा बेटा मुझे बांध कर ले आया, इसलिए मैं तुम्हें पूछता हूं मुझे बांधा क्यों। रावण को गुनाह में रखा, पर बाद में हनुमान जी बहुत सावधानी के साथ रावण को समझाने की कोशिश करते हैं, सीता जी को वापस दे दो और इस लंका के अविचल राज को भोगो। हनुमान जी बहुत नाड़ी को, शंकर के अंश है ना, और शंकर रावण के गुरु हैं, इसलिए दूसरे रूप में गुरु ही समझाने आए हैं अपने शिष्य को। और रावण कबूल भी कर लेता है कि मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, हमको बड़ा ज्ञानी, क्योंकि गुरु का ही रूप है, इसलिए उसको समझ करके कहते हैं कि इस लंका का अचल राज तुम करो, भगवान के चरणों को हृदय में धान, सब बातें बता। लेकिन सीता को जब देने की बात आई तब रावण क्रोध में आ गया और कहने लगा, इस बंदर का प्राण हर लो, मृत्यु दंड का हुक्म कर दिया, हत्या कर दो इस बंदर की। रावण ने हुक्म किया और सब राक्षस लोग शस्त्र लेकर खड़े हो गए, और जैसे खड़े हुए और हनुमान जी ने चारों ओर देखा तो जितने खड़े हुए थे वो सब बैठ गए, इतनी तो आंख में ताकत थी। रावण ने कहा, बैठ क्यों गए, तब सबको पता लगा कि हम बैठ गए, पुनः खड़े हो गए, इतनी दृष्टि में ताकत थी। और जब मारने दौड़े तो उसी वक्त विभीषण जी आ गए, और विभीषण ने रावण को कहा कि नीति मना कर रही है, दूत को मत मारे, आन दंड कछु करिए गोसाई, दूसरी सजा आप कर सकते हैं। तो रावण ने मंत्रियों से सलाह की और निर्णय कर लिया कि बंदर को पूंछ पर ज्यादा ममता रहती है, तो इस पूंछ को घी और तेल के कपड़े से लपट दे और अग्नि लगा दे, तो पूंछ बिना बंदर जब अपने मालिक के पास जाएगा तो उसका मालिक भी वापस लौट जाएगा। हनुमान जी के पूंछ जलाने का फैसला जब किया तो हनुमान जी हंसने लगे कि रावण मुझे लगता है तुम्हें सरस्वती मदद कर रही है, क्योंकि मेरी पूंछ जलाने से क्या फायदा, वैसे ही बेकार है, जला दो। मूढ़ राक्षस रचना करने लगे, घी तेल के घड़े लाने लगे, कपड़े और कापड़ लाने लगे, घी तेल से कपड़े भिगोकर हनुमान जी की पूंछ पर लपेट करके जब अग्नि लगाने जाते तो हनुमान जी जय श्री राम कहकर थोड़ी पूंछ लंबा देते, बढ़ा देते, और दूसरा कपड़ा, दूसरे कापड़ लाए, दूसरा घी लाए, पुनः वो लपेटे, और जब जलाने जाए तो पुनः बढ़ा दे। हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ाई लंका में कि रहा न नगर बसन घृत तेला, गांव में घी तेल कपड़े सब खत्म, जो पहने थे वही बचे। और हनुमान जी ने सोचा होगा कि दूसरे कपड़े आपको बदलने का समय ही नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान आ जाएंगे उसके बाद तो ये शरीर ही बदलना पड़ेगा, एक एक जोड़ कपड़े जो पहने थे वही रहे, बाकी घी तेल कपड़े कापड़ सब समाप्त, इतना पूंछ लंबाया, ऐसा लिखा। कुछ लोग पूछते हैं कि हनुमान जी ने इतना पूंछ लंबाया होगा तो कहीं दीवार में टकरा नहीं गया होगा, नहीं वो ट्रैफिक में मानता था, जहां रास्ता मुड़ता था वहां उधर जाता था, इधर उधर पूरे गाँव में चक्कर लगा ली पूंछ हनुमान जी, और गांव में हनुमान जी को घुमाए गए और समुद्र के तट पर ले जाकर ये मूढ़ राक्षसों ने उसकी पूंछ को जलाई, और हनुमान जी महाराज एकदम तुरंत कूद करके कनक अटारी पर चढ़ गए, और हनुमान जी ने देखा पूंछ जल रही है, और लंका रह जाए तो त्रिजटा का सपना झूठा हो जाएगा, और मैं पूरी लंका को जल, किसी के घर को जला देना अच्छी बात है, और वो भी संत के लिए,
किसी के घर को कौन जलाते हैं? जो लड़ाकू लोग होते हैं, जो लूटने वाले होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो नासमझ होते हैं, जो बेईमान होते हैं, वही जला। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाने का फैसला किया। ये तो बड़ा पाप कृत्य है, अच्छा नहीं। लेकिन हनुमान जी को किसी ने पूछा कि आप क्यों जलाते, बोले पहले ये जवाब दो, शब को जलाना पाप कृत्य है या पुण्य कृत्य? जहाँ बहुत शब एकत्रित तो हो जाए तो उसको अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। लंका में कोई जीवित नहीं, भक्ति के बिना सब शव के समान है, सब मुर्दे हैं, और मुर्दे का अग्नि संस्कार कर देना संत का कर्तव्य है। इसलिए मैं मुर्दे का अग्नि, क्योंकि 14 मुर्दे की बराबर रामायण में लिखा है अंगद की भाषा में, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्टु विमुख, श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। तो शबों को और भक्ति के बिना ये जीव शब की तरह है, तो शबों को जलाना ये पुण्य कार्य है। इसलिए हनुमान जी मानो सबका अग्नि संस्कार कर पूरी लंका को जलाने का फैसला। 49 वायु ने आकर, पवन ने आकर हनुमान जी के कानों में कह दिया कि लगा दो, और हनुमान जी एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदने लगे और अग्नि की ज्वालाएं लगने लगी, पूरी लंका जलने लगी, अनाथ की तरह तात मात की पुकारे होने लगी, पूरी लंका जली जा रही। तो हमने सुना ऐसा महात्माओं से कि रावण ने जब देखा कि पूरी लंका में लपेट लग रही है, तो रावण ने अपने बेटे इंद्रजीत को कहा कि इंद्रजीत, हाँ तुमने इंद्र को जीता है, हाँ, और इंद्र के अधीन 12 मेघ हैं। बोले हाँ, तो तुम इंद्र को हुक्म करो कि मेघ को सूचना दे और मूसलाधार वर्षा हो जाए लंका पर, ताकि आग बुझ जाए। एक ही उपाय है, तेरे अधीन है इंद्र, हुक्म करो। इंद्रजीत ने इंद्र को हुक्म किया कि इंद्र मेघ को छूटे कर दो, सभी जगह बादल आ जाए और ये सब लगी आग को बुझा दो। और इंद्र के कहते ही 12 मेघ आकाश में चढ़ाए। हनुमान जी ने देखा कि इंद्र तुम्हारे लिए भगवान वनवासी हुए हैं, तुम्हारे लिए हम इतना भटक रहे हैं और तुम रावण को मदद किए जा रहे हो, पानी बरसाने की तैयारी। तब इंद्र ने ऊपर से हनुमान जी को कह दिया, बाबा चिंता मत करो, तो आज बादल में पानी नहीं भरा है तो पेट्रोल भरा है। ऐसा रामायण में नहीं आता, ये तो किसी के बुद्धि से निकला हुआ तर्क है। और बढ़ जाएगी, हम आपको सहायक हो जाएंगे। पूरी लंका उलट पुलट जला दी है, समुद्र में कूद पड़े। एक विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि वो भक्तिवान था, जो जिंदा है उसका अग्नि संस्कार नहीं होता है, उसको बचा लिया, बाकी सब मुर्दों को जला दिया। और यहाँ हनुमान जी माँ सीता जी के पास आ गए, माँ मुझे जैसे रघुनायक ने मुझे निशानी दी, वैसे आप कुछ निशानी दें। जानकी जी ने चुड़ामणि उतार कर दे दिया, हनुमान को कहा कि एक मास में यदि भगवान नहीं आएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पा सकेंगे। चुड़ामणि लेकर, माँ को आश्वासन देकर हनुमान जी निकल जाते हैं। 400 मील का समंदर को नाग करके इस पार हनुमान जी उतरने लगे। मित्र वृंद पहचान गए और नाचने लगे, मित्र बाबा आ गए, हनुमान जी आ गए, सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी नीचे उतरे हैं और मित्र गले से लगा रहे हैं। हनुमान जी को सब पूछने लगे, कुशल है? हनुमान जी ने कहा बहुत कुशल, जिसकी तबियत बिगड़ी है वो सब वहां। लंका के नवल इतिहास की कथा कहते कहते आए मधुबन में, सुग्रीव के मधुबन को उखाड़ने लगे, रक्षक जब बरजने लगे तब मुष्टि प्रहार करते ही सब भागे, और सुग्रीव को कहा कि युवराज के साथ सब बंदर मधुबन उखेड़ रहा है। सुग्रीव ने सोचा कि भगवान का कार्य करके आए होंगे, वरना मधुबन के फल खा नहीं सकते, इतने में तो आ गए। जामवंत ने हनुमंत कथा सुग्रीव को सुनाई, दोनों मिले और सबको लेकर भगवान के पास आए। सब बातें कही, हनुमान जी चरणों में गिर गए और चुड़ामणि दिया, प्रभु के नेत्र में आंसू आ गए। भगवान को कहा हनुमान जी ने, महाराज मेरी माँ पर जो दुख है वो तो धरती की बेटी ही सह सकती हैं, अब आप विलंब मत करें, जल्दी करें। 18 पदम रीछ और बंदरों की सेना लेकर भगवान राम ने लंका की ओर प्रस्थान करना चाहा है। गोसाई जी मरणन करते हैं, I'm gonna make it.
नख के बाजे बजाने लगे, दांत कसकसाने लगे। राघव की जय हो, लखन की जय हो, सुग्रीव की जय हो, युवराज की जय हो। तुलसीदास जी कहने लगे 14-18 पद्म की सेनाएं प्रस्थान करने लगी है लंका की ओर। समुद्र के तट पर भगवान ने मुकाम कर दिया। यहाँ जब से हनुमान जी लंका जला कर गए तब से राक्षस सशंक थे। घर घर में सब चिंता करने लगे कि जिसके दूत के इतनी ताकत वो आएंगे तब क्या होगा। इतने में रावण के दरबार में समाचार पहुंची कि तपस्वी की सेना समुद्र के सामने तट पर आ पहुंची है। रावण मंत्रियों को पूछने लगा, मंत्रियों ने खुशामत कर दी। इतने में विभीषण ने आकर सही बात बताई कि सीता जी को वापस दे दो। रावण गुस्से में आकर संत का अपराध कर डालता है, चरण प्रहार किया। विभीषण को कहा कि चले जाओ यदि तपस्वी का पक्ष लेना है तो। तुलसीदास जी कहते हैं विभीषण विमान पंथ से रावण के त्याग पर भगवान की शरण की ओर निकलता है। भगवान उसको शरण में रख लेते हैं। तथा तो बहुत आती है, मैं समय अभाव से कह देता हूँ। भगवान उसको कबूल कर लेते हैं और लंका की राजगादी का तिलक विभीषण के भाल में लगा देते हैं। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की, विभीषण को अखंड राजपद दे दिया। और उसके बाद भगवान ने विभीषण और अन्य मित्रों से पूछा कि ये 400 मील का सागर पड़ा है, कैसे उसको पार करें। तब विभीषण ने कहा कि आपके कुल में समुद्र पूजा जाता है, इसलिए समुद्र के पास 3 दिन आप उपवास करें और समुद्र से प्रार्थना करें। समुद्र यदि वैसे ही कुछ उपाय बता दे तो हमको बल का उपयोग नहीं करना। भगवान 3 दिन बैठने का निर्णय करते हैं। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भगवान ने कहा तुम धैर्य रखो, 3 दिन भगवान बैठते हैं। 3 दिन पूरा होते ही समुद्र ने भगवान को कोई जवाब नहीं दिया तो भगवान खड़े होते हैं और लक्ष्मण जी को कहने लगे कि लखन धनुष बाण ला, बिना दंड ये मानेगा नहीं। भगवान ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, समुद्र में ज्वालाएं निकलने लगी। ब्राह्मण का रूप लेकर समुद्र भगवान के शरण में आया। भगवान को कहने लगा, महाराज आप मुझे जला दोगे तो आपकी भी प्रतिष्ठा नहीं, मेरी भी प्रतिष्ठा नहीं। मैं आपको एक उपाय बताऊं, आपकी सेना में नलनील नामक 2 बंदर हैं, बचपन से ऋषि की आशीष पाई हैं, तिनके परस किए गिरि भारे, उसके हाथ के स्पर्श से बड़े बड़े पहाड़ जल्दी में तरेंगे, तो सेतु बनाया जाए, मैं भी अपने बल के अनुसार मदद करूंगा। भगवान को सेतु बंध का विचार अच्छा लगा, कहा कि मुझे ये विचार ठीक लगता है, लेकिन तीर चढ़ गया उसका क्या। बोले उत्तर तट पर डारो और राक्षसों को मार दो। भगवान ने समुद्र के उत्तर तट पर रहे राक्षसों को मारकर सागर की मन की पीड़ा हर ली और समुद्र को निश्चिंत किया, सेतु बांध बनाने का निर्णय कर दिया। और समुद्र ने कह दिया यहाँ सूत्र आया है, इतने को दंड दो तो ही ठीक चलता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल को पीटो तभी ठीक से चलेगा, गवार को मारो तो भी ठीक चलेगा, शूद्र को मारो तो ही ठीक से चलेगा, पशु को लाठी लेकर मारो पीटो तो ही ठीक से चलेगा। और समुद्र ने कहा स्त्री को भी लाठी लेकर, ये तो समुद्र बोला है, उसको मारो तो ही ठीक चले। लोग प्रश्न करते हैं कि स्त्री को मारने को क्यों कहा यहाँ, तुलसीदास जी की आलोचना करते हैं, नारी को मारने को क्यों, ये तुलसीदास जी के वाक्य नहीं है, ये तो समुद्र बोला है। और समुद्र में अक्कल कितनी, बोल गया तो बोल गया, जिसको फरियाद करनी वो दरिए पर जाए कि हमारे लिए तुम ऐसा क्यों बोला। और मैं तो हर वक्त कहता हूँ कि ये नारी और इन सबको पीटने की जो बात कही वो त्रेता युग के संदर्भ में कही। त्रेता युग में ऐसा था कि उसको पीटो, कलयुग में तो उल्टा। कलयुग में उसका अर्थ क्यों करते हो आप पीटने का, कलयुग में तो, अथवा तो ताड़न का अर्थ मारना नहीं। एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि एक ढोल, दूसरा गवार, तीसरा पशु, चौथा शूद्र और नारी, ये कभी कभी कितना ही गुना कर दें तो कम से कम उसको दंड में मारना ही पर्याप्त
उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो नारी है, उसको आदर करे। शायद कोई इतनी भूल कर दे तो कम से कम उसको ताड़न कर ले, उसको मृत्यु दंड नहीं देना, क्योंकि नारी ये भारत की शक्ति है, उसका गौरव है। और तारण का एक अर्थ होता है उसके साथ समझ कर व्यवहार। नारी अबला है इसके साथ उसको पीटो, ऐसा संत कभी पीटने की बात नहीं करते। तारण का अर्थ होता है ठीक से समझ कर व्यवहार करो, औरों के साथ कैसे भी व्यवहार करो तो चलेगा, लेकिन नारी के साथ मर्यादा के साथ आदर के साथ व्यवहार करो। ये सब तारण, तारना यानी ठीक से समझना। हिंदी में लोग कहते हैं हमने उसको पहली बार देखा और हम ताड़ गए, ताड़ना यानी ठीक से समझना। तो इन सब के साथ आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए, समझ के व्यवहार करना चाहिए। ऐसी बातें, नारी का अपमान की कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि गोस्वामी जी हर नारी में जानकी का दर्शन करते हैं। सी राम मई सब जग जानी, वो कभी नारी की आलोचना नहीं कर सकते, संत अभेदी होते हैं। तो समुद्र की बात मानी गई कि सेतु बनाया जाए, और समुद्र ये बात कहकर भगवान से विदा लेने लगा। सेतु बनाने का फैसला निर्णय लिया गया। इस कथा को जो गाएगा सुनेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा। भगवान की कथा सकल सुमंगलदायक है। इतनी बात करके गोस्वामी जी ने सुंदर कांड समाप्त कर दिया। लंका कांड के आरंभ में काल का वर्णन है। भगवान ने मित्रों को कहा कि अब विलंब मत करो, सेतु बनाने की रचना शुरू करो। सब 18 पद्म रीछ और बंदर हाथ में पहाड़ चट्टान लेकर आने लगे, और उस पर राम राम शब्द लिखकर समुद्र में डाला गया। तो नल नील के हाथ के स्पर्श से और रघुवीर के प्रताप से सिंधु तरे पाषाण, समुद्र के ऊपर चट्टाने तरने लगी और पूरा सेतु बन गया। 18 पद्म रीछ और बंदरों के पुरुषार्थ का ये जीवंत दृष्टांत सेतु बंद बन गया। और बाद में भगवान सेतु बंद की ढिंग पर खड़े रहे और मित्रों को कहने लगे कि ये बहुत सुंदर प्रदेश है, मेरी इच्छा है कि यहाँ भगवान शंकर की स्थापना करें। भगवान शिव जी की पूजा करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। ऋषि मुनियों को बुलाया, तुलसीदास जी कहते हैं ऋषि मुनि आए, वेद मंत्र घोषित हुए और भगवान के हाथों भारतीय संस्कृति का महान ज्योतिर्लिंग भगवान रामेश्वर जी का प्रागट्य होता है। बोलिए रामेश्वर भगवान की। भगवान रामेश्वर की वेद विधि से स्थापना होती है, रामेश्वर की पूजा और आरती होती है। अब रामेश्वर जी की और रामायण जी की दोनों की आरती साथ में होगी और उसके बाद सत्संग विराम लेगा। एक सूचना, कल इस 9 दिन के सत्संग का अंतिम दिन है, आप सब जानते हैं, लेकिन कल कुछ कारण के वजह कुछ कारण के लिए कथा का समय पलट चुका है। आप जानते हैं कल कथा सुबह 6 बजे शुरू होगी और 9 बजे कथा की पूर्णाहुति करीबन हो जाएगी। तो सुबह 6 बजे पुनः मिलेंगे, 9 बजे तक राज्याभिषेक की कथा करके इस 9 दिन के सत्संग को हम संक्षिप्त में विराम कर देंगे। तो कल सुबह 6 बजे पुनः मिलेंगे। आज इतना ही, अब भगवान के नाम का जय जयकार करें। बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण सदगुरु ओ नम पार्वती पतये Thank you.